नमस्कार, मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है इस शानदार क्लास में, जहां पर आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय मानसून के विषय में। इंडियन मानसून आपके सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रश्न आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट मैं क्यों कह रहा हूँ? इसके पीछे का कारण ये है, एक तो ये उलझा हुआ है, दूसरा यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में यहाँ से प्रश्न बनाता रहता है। ऐसे में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारी पकड़ इस टॉपिक पर शानदार हो। मानसून आने वाला है और जैसे ही मानसून आएगा, देश के अलग अलग हिस्सों में हम अलग अलग तस्वीरें देखेंगे। कहीं पर बाढ़ की कंडीशन होगी, कहीं पर ज़्यादा वर्षा की कंडीशन होगी, कहीं की सड़कें पानी से लबालब हो जाएंगे। और उसी मानसून के दौरान कई जगहों पर हम ये भी देखेंगे कि सूखा पड़ा हुआ है। ये जो मानसून है इतना विचित्र है, इतना जटिल है कि इसके विषय में कहा जाता है ये सरकारों को बदल देता है। अर्थात अगर किसी साल मानसून कमजोर हो तो महंगाई बढ़ जाती है, और महंगाई से त्रस्त आकर अगर उसी समय चुनाव हो जाए तो कई बार सरकारें बदल जाती हैं। बात सिर्फ सरकार की नहीं है, बात सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था की नहीं है, बात सिर्फ देश की खाद्य सुरक्षा की नहीं है, बात सिर्फ कृषि की नहीं है, बल्कि बात है एक मौसमी प्रणाली की, जिसका प्रभाव हमारे जीवन के हर पक्ष पर पड़ता है। हमारी खुशियों, हमारे जो है कि खान पान, सबको यह मानसून प्रभावित करता है। इवन इतना अगर आप देखें तो डेली हम कैसे कार्य कर पा रहे हैं, इसमें भी मानसून का रोल है। अब प्रश्न आएगा कि मानसून क्या इतना जो है कि विस्तार रखता है? तो जी हाँ, मानसून का विस्तार काफी ज्यादा। अब मानसून का विस्तार ज्यादा है, इसीलिए इसको समझने में काफी दिक्कत होती है। दो तरीके हैं मानसून को समझने का। एक तरीका है जो 10 से 15 मिनट में आपको YouTube पर मिलता है, जहां पर आप देखते हैं कि आपको बताया जाता है कि भारत के किसी क्षेत्र में लो प्रेशर बनता है, उस लो प्रेशर को भरने के लिए कुछ हवाएं आती हैं जो सागर से आती हैं और ये वर्षा करती हैं, इसको मानसून बोलते हैं। ये तो बड़ा आसान हुआ, और कुछ लोग इसको भी नहीं समझ पाए होंगे, मैं ये भी बात समझा दूंगा, लेकिन मानसून इतना नहीं है। आज जिस हम मानसून को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसका अप्रोच वही होगा जो हमें साइंटिफिक अप्रोच अपनाने की बात यूपीएससी सीएससी करता है। अर्थात अगर हम सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी स्टेट विशेष की तैयारी कर रहे हैं तो यह भारतीय मानसून का जो टॉपिक है आपको दोबारा परेशान नहीं करेगा। लेकिन दोबारा ही परेशान ना करे, उसके लिए जरूरी है कि आज इससे दो दो हाथ अच्छे तरीके से हो जाए। इसलिए अच्छे तरीके से कर लें क्योंकि इसके सभी पक्षों को अगर हमें समझना है तो हमें गहराई में उतरना होगा, और गहराई में उतर कर कहीं हम इस पानी के बाउंडर में फंस गए तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए धीरे धीरे हम पानी की गहराई में उतरेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, और जितना इंटरेस्टिंग होगा उससे भी ज़्यादा साइंटिफिक होगा, इस अप्रोच को अपनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। उद्देश्य ये है कि आपका जो मानसून को लेकर जो भी नज़रिया है, अगर आप जीरो जानते हैं तो आज ही एडवांस लेवल तक जान जाएंगे, और अगर आपने मानसून को पहले भी पढ़ा है तो आज आपको बहुत कुछ क्लियर होने वाला है, क्योंकि इसका हम डेप्थ एनालिसिस करेंगे। अब देखिए, मैं डेप्थ एनालिसिस जब करूंगा तो उसके लिए जरूरी है कि आप भी क्या कीजिए, मेरे साथ मेहनत कीजिए। मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं कुछ भी लिख कर नहीं लाया हूं। तो प्रश्न आएगा, सर पढ़ेंगे कैसे? हम क्या करेंगे, आपको लिख कर समझा कर पढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक पेज है, और आपके पास भी ब्लैंक पेज है। तो आप क्या कीजिए, जब मैं लिख सकता हूं तो आप भी क्या कीजिए, लिखिए, समझिए, और आइए एक एक चीज को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं। क्लियर है? तो आप सभी का स्वागत है, आप सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? सर बताओ ना प्लीज, सर ट्रेन हादसा हुआ, इस पर एक वीडियो बनाओ सर प्लीज। बन जाएगा बच्चे, वीडियो बन जाएगा। ये
ट्रेन जो हादसा हुआ है दुखद घटना है। मैं उन यूट्यूबर्स में से नहीं हूं कि जो कुछ सेंसेशन फैलाने के लिए, सरकार की अतार्किक आलोचना करने के लिए, कमियां निकालने के लिए करें। हम जब उस पर बात करेंगे तो हमें तार्किक तरीके से उस लेवल पर जाकर बात करना होगा जहां पर कमियों को भी हम स्पष्ट कर सकें और जो मानवीय चूक हुई है उनको भी बता सकें, उसका इसके पहले जो भी घटनाएं हुई हैं उनसे उसको कोरिलेट कर सकें। तो इस पर हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन थोड़ा समय दीजिए। अभी जो टॉपिक चल रहा है इस पर कीजिए। आप इस टॉपिक के साथ हादसा क्यों करना चाहते हैं? एक हादसा तो हुआ है, आप क्या कीजिए, इस टॉपिक पर समझ बनाइए, उसको लेकर हम एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है भैया? हो गया। ठीक है, ठीक है। भारत की मानसून में विश्व में किस किस जगह मिलती है सर? अरे बाप रे, गुड। पहले सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। थोड़ा सा आप लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में धीरे धीरे चीजों को समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। जो कि जो प्रश्न आप जानते हैं, जिनका उत्तर एक्चुअल में आप जानते हैं, उन प्रश्नों को पूछकर कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो प्रश्न जो आप पूछ रहे हैं उसका उत्तर पता है, और नहीं पता होगा तो हम क्लास में बताएंगे, लेकिन हम एक तरफ से बताएंगे जिससे सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। एक बार सेशन को थोड़ा सा लाइक और शेयर कर लीजिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को थोड़ा सा लाइक और अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर लीजिए, ताकि हर वो स्टूडेंट जो मॉनसून को गहराई से समझना चाहता है वह समझ सके। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर हम मॉनसून पढ़ाने जा रहे हैं, मेरा मानना है यूट्यूब पर ऐसी क्लासेस कम होंगी, अगर होंगी तो क्या है वह जो है कि बधाई के पात्र हैं, उन्होंने मेहनत किया है, लेकिन हम भी एक बहुत शानदार मेहनत करने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से हम डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट का मतलब तो आप समझते ही होंगे। तो चलिए एक बार सेशन को थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिए, लाइक और शेयर कर लीजिए प्लीज। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर हम इस मॉनसून में क्या क्या चीजों को समझने वाले हैं। मॉनसून बहुत लास्ट में आएगा हमारा, ठीक है। तो जो लोग स्टार्टिंग में ही आए हों कि मॉनसून कहाँ से शब्द आया है, उसका अर्थ क्या है, वो बहुत बाद में आएगा। मॉनसून अर्थात हम जब देश में मॉनसून लाएंगे उसमें कम से कम अभी 1 से 1.5 घंटा लगने वाला है। उससे पहले क्या होगा, थोड़ा सा हम अपने देश के विषय में समझेंगे और यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन क्रिएट होती हैं उसके साइंस को समझेंगे, तब हम मॉनसून को लेकर आएंगे, बहुत अच्छे से वर्षा करवाएंगे और सभी पक्षों पर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे देश में और ये सब पॉइंट्स में डिस्कस कर, और हिंद महासागर में तापमान कैसे बढ़ता है। जब ये सभी प्रश्नों का उत्तर आप देख लेंगे, अपने आप मॉनसून बहुत ही चीज, तापमान कैसे बढ़ता है, तो पहला हमारा जो टॉपिक होगा हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर ये देखेंगे कि आखिर ये जो तापमान है, इसका वायुदाब से क्या संबंध है, और वायुदाब से क्या संबंध है का मतलब है कि कैसे तापमान वायुदाब को, टेम्परेचर कैसे प्रेशर को निर्धारित करता है, कैसे कम और ज़्यादा करता है, इसको हम देखेंगे। इसी में एक कॉन्सेप्ट और आएगा और वह है ITCZ। ये देखेंगे कि आखिर ये क्या है और इसका मॉनसून में रोल क्या है, मॉनसून में इसका जो रोल है, भूमिका है, वह क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर व्यापारिक पौने क्या होती हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेड विंड। तो ये देखेंगे कि आखिर ये ट्रेड विंड क्या होती हैं और इन ट्रेड विंड्स का जो है कि मॉनसून पर प्रभाव किस रूप में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर उत्तर भारत में जो निम्न वायुदाब अर्थात लो प्रेशर बनता है वो कैसे उच्च हाई प्रेशर से हवाओं को या फिर वायु को या फिर पवनों को वह क्या करता है, आकर्षित करता है। और जब यह आकर्षित कर लेगा तो हम ये देखेंगे कि आखिर यह मॉनसून क्या है और यह किस प्रकार आता है,
किस प्रकार आता है, और जब हम मॉनसून को ले आएंगे तो ये देखेंगे कि आखिर इसकी कितनी शाखाएं होती हैं, कितनी शाखाएं होती हैं, और इन शाखाओं से कहां पर कितनी वर्षा होती है, कहां पर कितनी वर्षा होती है, हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद बहुत से हमारे और प्रश्न हैं, इसी में हम समझेंगे कि मॉनसून के संदर्भ में जेट स्ट्रीम क्या होता है, जेट स्ट्रीम क्या होता है, और इसी में पूर्वी जेट स्ट्रीम की भूमिका समझेंगे, पूर्वी जेट स्ट्रीम की हम भूमिका समझेंगे। इसके बाद हमें समझना होगा एक टॉपिक है जिसका नाम है इंडियन ओशन डाइपोल, है ना, इंडियन ओशन डाइपोल, है ना, ये भी आपने शब्द सुना ही होगा और इसको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इंडियन ओशन डाइपोल के बाद हम एक और शब्द समझेंगे, वह है अल नीनो और ला नीना, ठीक है, ला नीना। इन सब चीजों को अगर हम समझ लेंगे तब हम समझेंगे कि आखिर ये मॉनसून का जो प्रभाव है और इसकी जो भूमिका है वह क्या है, और इस तरह से हम मॉनसून पर एक जो है कि कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपनाते हुए इन सब चीजों को डिस्कस कर पाएंगे। तो आपने अगर किसी ने भी मॉनसून पढ़ा होगा तो इन सब शब्दों को कहीं ना कहीं उसने पढ़ा होगा, समझा होगा। तो आज हमारे जो डिस्कशन के पॉइंट हैं वो इतने हैं। स्वाभाविक है आपने देखा होगा कि मॉनसून को मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जहाँ से क्लास यूट्यूबर चालू करते हैं मैं अभी उसके बहुत पीछे जाऊँगा। इसके लिए आप मुझसे कह सकते हैं कि गुरुजी आपको ना डायरेक्ट मॉनसून आता नहीं है, है ना, आपके लिए मॉनसून कठिन है, तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ कि मेरे लिए मॉनसून कठिन है। लेकिन मैं इस चीज़ को भी स्वीकार करता हूँ कि अधिकांश लोग क्या होंगे जब इस चीज़ को यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे साथ डिस्कस करेंगे तो उनको पता चलेगा वास्तव में समझना तो हमें ऐसे ही चाहिए, अभी तक हम इसको क्यों समझ रहे थे और वो हम क्या कर रहे थे, गलती कर रहे थे। तो आई हो आप मेरे अनुभव से आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार सब लोग नोट्स बनाना चालू कर दीजिए, नोट्स बनाना जरूर चालू कर दीजिए, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे कि मैं लिखकर पढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं लिखता चलूँ आप भी क्या कीजिएगा, पेज पलटते चलिएगा, और आप में से बहुत से लोग बहुत शानदार नोट्स बना रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि जिन हाथों से आप आज पन्नों को भर रहे हो यही पन्ने आपने सब आपके सपनों को भरेंगे और यही पन्ने आपके लिए इतिहास बनाएंगे। आज जो आप मेहनत कर रहे हो इसका परिणाम एक साल बाद आए या दो साल बाद, लेकिन नोट्स की जो आपकी मेहनत है, जिस शानदार और क्रिएटिव तरीके से आप लोग नोट्स बना रहे हैं, जिस संघर्ष से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप भरोसा कीजिए अपने आप पर, आपको दुनिया का कोई व्यक्ति सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकता। हाँ, दिक्कत उनके लिए है जो पीडीएफ के भरोसे हैं, दिक्कत उनके लिए है जो दूसरे के नोट्स के भरोसे हैं, क्योंकि दूसरा ना तो अपनी सीट देगा ना अपनी किस्मत देगा, तो ना जब वो किस्मत दे रहा है ना सीट दे रहा है तो उसकी मेहनत का लाभ भी आपको नहीं मिलेगा, इसलिए नोट्स बनाना चालू कीजिए। चलिए अब बहुत बेसिक तरीके से हम थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर टेम्परेचर किसी भी स्थान का कैसे बढ़ता है, और फिर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, अपनी एक पृथ्वी बना लेते हैं, और ये रही मेरी पृथ्वी, और इस पृथ्वी के बीच से मैंने एक रेखा खींच दिया, इसको बोलते हैं इक्वेटर अर्थात विषुवत रेखा। क्योंकि ये पृथ्वी के मध्य भाग से जा रही है इसी के कारण इसको हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, और ये जो भूमध्य रेखा है मान लो सूर्य यहां पर है, सूर्य यहाँ पर है, और सूर्य से इस तरह से यहाँ पर किरणें निकल रही, और जब सूर्य से यहाँ पर किरणें निकल रही हैं तो आप देख सकते हैं कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ रही। अब सूर्य को एक टॉर्च के रूप में समझिए, एक टॉर्च लीजिए, टॉर्च को जलाइए, उसका फोकस जहाँ पर बनेगा वहाँ पर प्रकाश क्या होगा, ज़्यादा होगा। टॉर्च से निकलने वाला जो प्रकाश है अगर इसमें ऊष्मा हो अर्थात इसमें हीट हो तो जहाँ ये फोकस पड़ेगा उस पर गर्मी ज्यादा लगेगी। ठीक इसी तरह से अब इसको समझिए, ये जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, इन्हीं किरणों में क्या है, प्रकाश है, और इन्हीं किरणों में क्या है,
ऊष्मा है। अब इसके वजह से क्या होता है, यह जो विषुवत रेखा के पास वाला क्षेत्र है, इस यहाँ के क्षेत्रों को क्या मिलता है, प्रकाश और ऊष्मा की प्राप्ति क्या होती है, ज्यादा होती है। जो जीरो डिग्री अक्षांश, यह है जीरो डिग्री अक्षांश, और इसी जीरो डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो जीरो डिग्री अक्षांश पर क्या होता है, प्रकाश अर्थात लाइट और हीट की प्राप्ति ज्यादा होती। अब लाइट और हीट की प्राप्ति जहां पर ज्यादा होगी, जिस क्षेत्र को सूर्य की किरणें ज्यादा देर तक वो अपनी ऊष्मा को देंगी, वह भाग हो जाता है गर्म। यह भाग हो गया गर्म, और जब यह गर्म हो गया तो यहाँ पर जो गर्मी का प्रभाव है लगभग वर्ष भर बना रहता है, और इसी के कारण आप कहते हैं कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में क्या होता है, वर्ष भर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, समझिएगा मैं चीज़ों को अब जोड़ रहा हूँ, जहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ पर देखिए टेम्परेचर जहाँ पर ज़्यादा होगा, यह अधिक टेम्परेचर क्या करेगा, बाष्पीकरण करेगा। और जब क्या होगा, बाष्पीकरण अधिक होगा तो यह वाष्प क्या करेगा, यह वाष्प वायुमंडल में जाएगा, और वायुमंडल एक सेकंड ठीक हो, देखो हाँ, यह क्या होगा, वायुमंडल में जाएगा, और वायुमंडल में यही वाष्प जाकर क्या होगा, इसका संघनन होगा। संघनन का मतलब है वाष्प का जल की बूंदों में कन्वर्ट होना, जल की बूंद में कन्वर्ट होना, और जल की बूंद में कन्वर्ट होने का मतलब है कि वाष्प अपने पुराने रूप में जल में आएगा, और जल की बूंदें ही जब जमीन पर गिरेंगी तो इससे क्या होगा, वर्षा ज्यादा होगी। तो इस तरह से हमने देखा कि जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां पर क्या होगा, वर्षा होगी। अच्छा, अब ये जो सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं 90 डिग्री के एंगल पर, वह होता है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च से लेकर 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसी दो तिथियां हैं जब बिल्कुल सूर्य की किरणें क्या होते हैं, यहां पर 90 डिग्री के एंगल पर। वैसे सामान्य तौर पर पृथ्वी के अन्य हिस्सों की तुलना में यहां पर सीधी किरणें वर्ष भर लगभग पड़ती हैं, अर्थात यह वह क्षेत्र है जो पृथ्वी पर सर्वाधिक क्या करता है, सूर्य की किरणों को प्राप्त करता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट डेट पूछ लिया जाए कि वो कौन सी डेट है जिस डेट पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी, जैसे लेजर लाइट लेते हो ना, तो आप लेजर जो है कि टॉर्च चलाते हैं, उसका एकदम सीधा एक पॉइंट पर उसका प्रकाश पड़ता है, ऐसे ही 21 मार्च और 23 सितंबर को यहां पर। अब 21 मार्च के बाद सूर्य की किरणें क्या होती हैं, यह कर्क रेखा की ओर लंबवत होते हैं, अर्थात कर्क रेखा की ओर बढ़ती है, और इसी के कारण 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें क्या हो जाते हैं, लंबवत होता है। और आप देखेंगे कि मार्च के बाद हमारे यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। टेम्परेचर हमारे यहाँ क्यों बढ़ता है, इसके पीछे का कारण ये है कि हमारे जो देश की अवस्थिति वह कहाँ पर है, ये ऐसे हमारा देश कहां पर, यहां पर। अब जब हमारा देश यहां पर है, इसका मतलब है कि जब सूर्य की किरणें 21 मार्च से उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, तो 21 मार्च के बाद सूर्य की किरणें जैसे जैसे कर्क रेखा की ओर बढ़ेंगे, हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर एक क्या होगा, प्रकाश पड़ने लगेगा। जैसे टॉर्च का प्रकाश पड़ता है, ठीक उसी तरह से सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। और सूर्य का जो प्रकाश पड़ेगा, अब ध्यान देना, सबसे पहले यहां पर पड़ेगा कहां, यह हमारा जो अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र, अंडमान निकोबार, यहां पर सबसे पहले गर्मी का प्रभाव, और फिर उसके बाद यह सबसे जो दक्षिणी भाग है जिसको हम कन्याकुमारी के नाम से बोलते हैं, यहां पर। और फिर क्या होगा, 21 जून तक आते आते सूर्य की किरणें यहां पर। तो अभी देखो, यह जो सीधी किरणें पड़ रही हैं, ऐसी ही कंडीशन क्या होगी, 21 जून को सूर्य की किरणें बिल्कुल यहां पर सीधी पड़ेंगी, बिल्कुल सीधी। अब सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, और इन्हीं सूर्य की किरणों हमने क्या देखा, प्रकाश है, ऊष्मा है, इसके कारण जून के समय तक आते आते यह जो पूरा भाग है एकदम गर्म हो जाता है। क्या हो गया, गर्म हो गया। तो देखिए, हमने ये देखा कि 21 मार्च से, 21 मार्च को जो सूर्य की किरणें हैं, या सूर्य की जो किरणें हैं वह बिल्कुल
सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी कहां पर पड़ रही हैं, 0 डिग्री अक्षांश पर। और 21 मार्च के बाद 21 जून तक वो क्या करेंगे, वो कर्क रेखा की ओर बढ़ेंगे। और कर्क रेखा की ओर बढ़ने का मतलब है हमारे देश के दक्षिणी हिस्से से होते हुए जाएंगे। इसका मतलब है कि प्रायद्वीपीय जो हमारा भारत है, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत ये जो हमारा भाग है ना, ये वाला, ऐसे ये वाला जो भाग है ना, इसको हम प्रायद्वीपीय भारत के नाम से बोलते हैं, दक्षिणी भाग। तो जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ये क्या होगा, सबसे पहले गर्म होगा। और अगर हम देखें तो जून तक आते आते, जून तक पूरे देश में क्या हो जाएगा, पूरे देश में गर्मी हो जाएगी, पूरा देश में गर्मी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हो गई गर्मी। अब देखो, तो हमने ये देख लिया कि हमारे यहाँ पर गर्मी कैसे पड़ती है। और फिर क्या होगा, 21 जून के बाद सूर्य की किरणें, 21 जून के बाद सूर्य की किरणें फिर से क्या करती हैं, लौटने लगती हैं। लौटने का मतलब है वो फिर से इक्वेटर की ओर आएंगे। और कब आ जाएंगे, 23 सितंबर तक। तो देखो, जब तक ये सूर्य की किरणें क्या होंगी, भारत लौटते समय भी टॉर्च है, एक टॉर्च को लो, टॉर्च को चलाओ, फोकस जहां पर बन रहा है, तो क्या हुआ, आप टॉर्च को जैसे जैसे इधर से उधर करोगे, फोकस क्या होगा, शिफ्ट होता चला जाएगा। फिर से आप उधर लाओ, फिर से उसी उन्हीं क्षेत्रों से होते हुए टॉर्च क्या होगा, वापस आएगा। ठीक इसी तरह से जिस तरह से ये सूर्य की किरणें गर्म करती हुई उत्तर की ओर बढ़ी थी, अब इसी तरह से वह अपनी हीट को लेकर दक्षिण की ओर आएंगे। और जब 23 सितंबर को वह विषुवत रेखा पर आ जाएंगे, तब जाकर वह क्या होगा, हमारा जो उत्तरी गोलार्ध में हमारा देश है वहां पर गर्मी का प्रभाव घटेगा। और 23 सितंबर के बाद क्या होगा, ये जो सूर्य की किरणें हैं ये दक्षिण की ओर बढ़ती हुई कहां पर आएंगी, ये आ जाएंगी मकर रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। अब जो मकर रेखा है यहां पर क्या होता है, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें क्या होती है, लंबवत पड़ती, 22 दिसंबर को। और 22 दिसंबर को जब सूर्य की किरणें यहां पर लंबवत होंगे, तो जो भी देश मकर रेखा पर होंगे वहां पर तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा, वहां पर तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या हम ये बात समझ पाए। अब आप प्रश्न करोगे कि सर कर्क रेखा का तो थोड़ा सा एंगल मॉनसून में समझ में आता है, आपने बताया, लेकिन मकर रेखा का क्यों बता रहे। बताऊंगा, क्योंकि मुझे आगे चलकर आपको इंडियन ओशन डाइपोल को समझाना है, एल नीनो और लानीनो का समझाना है, तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम समझें कि किस समय कहां पर कितना तापमान होगा। यहां तक हमने समझ लिया। अब आगे आइए, हमने ये देखा कि भैया कि जो हमारी ये पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी पर जहां जहां पर, ध्यान दीजिए, जहां पर भी, यहां पर फिर से हम सूर्य बनाते हैं, ठीक है, ये रहा हमारा सूर्य, तो जहां पर भी सूर्य की किरणें क्या होंगी, लंबवत होंगी, वहां पर क्या होगा, तापमान ज्यादा होगा। और जैसे कि आपको पता है हमारी पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, हमारी जो पृथ्वी है वह क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। और सूर्य की परिक्रमा करने के क्रम में जब हमारे पृथ्वी का, जब पृथ्वी का उत्तरी भाग, उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध कौन सा, ए वाला भाग है ना, ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा और इसके उत्तर का भाग है उत्तरी गोलार्ध। तो सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध जब सूर्य के सामने होगा, सूर्य के सामने होगा, और जब तक सामने होगा तब तक उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा। वहीं जब जो सूर्य की परिक्रमा करते हुए दक्षिणी गोलार्ध क्या हो जाएगा, सूर्य के सामने, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा। और उस समय अर्थात जब यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में क्या पड़ रहा है, गर्मी पड़ रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, ठंडी का मौसम हो जाएगा। यहां तक हमने समझ लिया। आप देखिए, अब जब हमने ये समझ लिया तो इसके बाद हम दूसरा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, और सभी चीजें इंटरलिंक है। मैंने इसीलिए कहा था कि मॉनसून, देखिए मॉनसून मैं यहां पर लाऊंगा, अभी तो यहां पर हम टेम्परेचर को देख रहे हैं। आखिर हमारे दिमाग में प्रश्न आएगा ना कि मॉनसून इसी समय क्यों आता है, 1 जून को ही केरला में क्यों आता है, 15 जुलाई तक ही देश भर में क्यों पहुंचता है, पहले आ जाता, 2-3 महीने बाद आ जाता,
क्या दिक्कत है, क्यों ऐसे आता है? तो आप कहोगे कि सर वो हवाएं आती, वो हवाएं कैसे आती हैं, उन्हीं को तो हम ला रहे हैं। आइए समझिए, यहां पर देखिए, हमने ये देख लिया कि जो तापमान है, तापमान है वह जो है कि बदलता रहता है, राइट। हमने ये देखा कि पृथ्वी पर या पृथ्वी के किसी हिस्से में कह लीजिए, या हम अपने देश के विषय में भी बात करें, तो टेम्परेचर क्या होगा, मौसम के अनुसार बदलता रहेगा। अब देखिए क्या होता है, जब किसी स्थान पर तापमान अधिक होता है, किसी भी स्थान पर तापमान क्या होता है, अधिक होता है, तो वहां पर बन जाता है लो प्रेशर। लो प्रेशर प्रश्न आएगा, तापमान अधिक होगा तो लो प्रेशर कैसे बनेगा, ठीक है। अब देखिए, ये मान लेते हैं कोई सरफेस है, और इस सरफेस पर यहां पर सूर्य की किरणें क्या पड़ रही हैं, ऐसे लंबवत पड़ रही हैं। अब जब सूर्य की किरणें यहां पर लंबवत पड़ रही हैं, तो ठीक इसी तरह से जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, टॉर्च लीजिए और उसको जलाइए, तो जहां पर फोकस बढ़ेगा वहां पर प्रकाश ज्यादा होगा, और अगर उसी टॉर्च में लाइट के साथ जहां पर फोकस पड़ रहा है वो लाइट के रूप में हमें दिख रहा है, लेकिन उस टॉर्च से निकलने वाली रोशनी में अगर गर्मी हो तो जहां पर फोकस पड़ेगा वो गर्मी भी उत्पन्न करेगा। ठीक इसी तरह से सूर्य की किरणें यहां पर सीधी पड़ रही हैं, तो यहां पर क्या करेंगे, यह जो सरफेस है जहां पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं बिल्कुल सीधी, यह सतह को, पृथ्वी की सतह को क्या कर देंगे, पृथ्वी के सतह के तापमान को क्या कर देंगे, पृथ्वी के सतह के तापमान को बढ़ा देंगे। और पृथ्वी की सतह के तापमान को जब बढ़ा देंगे तो सतह क्या हो गया, गढ़, सतह का तापमान बढ़ गया, अर्थात सतह क्या हो जाएगा, पृथ्वी का सतह गर्म हो गया। अब एक चीज समझिए, जब कोई चीज गर्म होती है तो उसके संपर्क वाली चीज क्या हो जाती है, अपने आप गर्म हो जाती है। जैसे आपको क्या होता है, कई बार ऐसा लगता है कि बुखार है आपको, है ना, आपने नोट किया होगा, कई बार आपको लगता है बुखार है, तो आप कहते हो भैया देखना बहुत बुखार है, और आप टच करते हो उसका, वो आपका हाथ टच करता है या करती है, तो कहते अरे हमारा आपका हाथ ज्यादा गर्म है, तो आप कहते हो लगता बुखार नहीं कुछ और है, हीट का होता पता चलता है ना। ठीक इसी तरह से आप जब भी कोई गर्म चीज टच करते हो तो उसकी गर्मी आपको महसूस होती है। तवा है, तवा को रख दो, और तवा को जब रख दो और उसको गैस चालू कर दो, तवा जैसे जैसे गर्म होगा उसके संपर्क वाली वायु क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। सतह गर्म हुआ तो सतह कोई भी हो जब गर्म होगा तो उसके संपर्क में वायु जरूर होगी, उसके संपर्क में क्या होगी, वायु होगी, यह वायु भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। अच्छा, जो गर्म वायु होती है वह क्या होती है, हल्की होती है, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि ज्यादा गर्म मत हुआ करिए। गर्म होना क्या होता है, अच्छी पर्सनालिटी का चिन्ह थोड़ी माना जाता है। आप सब लोग कहते हैं, है ना, आप सब लोग कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी हमें पसंद है। महेंद्र सिंह धोनी क्यों पसंद है, उनकी कूलनेस। ठीक इसी तरह से आप अपने समाज और सोसाइटी में देख लीजिए, आप किन की तारीफ करते हैं, अरे भैया ये वाले जो व्यक्ति है ना, ये जो भैया है, ये जो दीदी है, ये जो भी है, ये क्या है, बड़े कूल रहते हैं। तो आपको भी क्या करना चाहिए, कूल रहना चाहिए। आप जो गुस्सा लेकर, कई लोग तो गुस्सा लेकर क्लास में आते हैं, इतना गुस्सा, ऐसा लगता है जैसे पूरे गांव की जमीन हमने उनकी लिखा ली, उनकी भी और उनके गांव की भी। गुरुजी आज मिल जाओ तो तुमको बता ही दें। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम मिलते नहीं, है ना, डर लगता भाई, समझो। अब जब सतह गर्म हुई तो उसके संपर्क वाली वायु गर्म होगी, हल्की होगी, और हल्की वायु क्या करेगी, ऊपर उठ जाएगी। अब समझना, जब यहां पर पहले वायु थी तो वो वायु अपना क्या करती थी, भार डालती थी। जैसे गैस सिलेंडर लेते हो, जब उसमें गैस ज्यादा होता है तो वह गैस में उस वायु का आपको भार देखने को मिलता है, गैस कम होगा तो उसका जो वजन है वो भी कम हो जाता है। ठीक इसी तरह से यह जो सतह है, इस सतह के ऊपर यह जो वायुमंडल है, पहले यहां पर क्या थी, गैसें ज्यादा थी, पहले यहां पर क्या थी, गैसें ज्यादा थी, लेकिन अब ये गैसें क्या हुई, गर्म होकर ऊपर उठ गई। तो जब यहां से गैसें वायु ऊपर उठ गई तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहले की तुलना में यहां पर क्या हो जाएगा, गैसों का अनुपात कम हो जाएगा, गैसों का अनुपात कम।
और गैसों के ही मिश्रण को तो हम क्या बोलते हैं, वायु बोलते हैं, गैसों के मिश्रण को वायु बोलते हैं। तो गैसों का अनुपात कम होना, या दूसरे शब्दों में हम कह लें कि वायु का अनुपात कम हो जाएगा, तो कम वायु क्या करेगी, कम भार डालेगी। आओ, कम वायु क्या करेगी, कम वायु सतह पर, कौन सी सतह पर, पृथ्वी के सतह पर कम भार डालेगी, क्या करेगी, कम भार उत्पन्न करेगी। और जब कम भार उसका लगेगा, इसका इस कंडीशन को बोलते हैं लो प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं, लो प्रेशर। तो यहां पर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब है कि पहले की तुलना में वहां पर वायु की मात्रा कम हो गई है, और वायु की मात्रा कम हो गई तो पहले की तुलना में जो वायु का भार वहां पर पड़ रहा था वह कम हो गया, इसी को बोलते हैं निम्न वायु दाब। तो अब देखिए, टेम्परेचर और प्रेशर का क्या हुआ, इनवर्स रिलेशन हुआ, क्या हम इसको भी समझ पाए। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी स्थान का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, और दूसरे शब्दों में इसका इसी से निकलता है कि अगर किसी स्थान का टेम्परेचर कम है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा हाई प्रेशर। और एक चीज यहीं पर और ड्रॉ कर लीजिए, यहीं पर वह यह है कि वायु हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती, समझ गए। अब देखो, आपको रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैंने टेम्परेचर का क्यों बताया, टेम्परेचर का क्यों बताया कि कब की गर्मी पड़ रही है, और उसी गर्मी से अब हम क्या करेंगे, लो प्रेशर और हाई प्रेशर बनाने वाले हैं। क्लियर हो गया यहां तक, सब लोग बता दीजिए यहां तक क्लियर, सब लोग बता दीजिए यहां तक क्लियर हो गया, क्लियर बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हम ना आपके लाइव क्लास में नहीं आया करेंगे। मैंने कहा क्या गलती हो गई हमसे, क्या सर आप हमारा जो है ना मैसेज नहीं देखते हो। तो मैंने कहा कि आप चैट को देखते हैं क्या, तो कह रहे हाँ हम तो खूब चैट करते हैं। तो हमने कहा इसीलिए तो हम नहीं कर देखते हैं, आप लोग इतना बात करते हो कि कई बार मैं सोचता हूँ, मैं हिम्मत बनाता हूँ कि देखूँ कोई प्रश्न तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है। पता चल रहा है यहाँ पर प्यार मोहब्बत की बातें चल रही हैं, यहाँ पर टॉपिक का समझ विकसित करना था, यहाँ पर रिश्ते की समझ विकसित की जा रही है, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट बनाने आए थे, ये अपना जो है कि वहीं पर घर द्वार बना रहे हैं, कुछ तो कुछ और भी बनाने लगते हैं। अब बताइए क्या करें हम, हमारी मजबूरी होती है कि हम कमेंट को ना देखें, इसलिए अगर मैं कमेंट ना देखूं तो समझिएगा ज्यादा अच्छा है ना, ठीक है। यहां पर हमने समझ, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़े तो हम लोगों ने एक चीज नोट किया कि जहां पर तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा, या दूसरे शब्दों में कहें जहां पर गर्मी ज्यादा होगी वहां पर क्या हो जाएगा, निम्न वायु दाब हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, निम्न वायु दाब हो जाएगा। और हमेशा जो हवा है या पवन है, जो पवन है ना, वो क्या करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। अब वायु दाब को मापने का एक यूनिट है, उसको भी समझ लीजिए। वायु दाब को हम मापते हैं मिलीबार में, जैसे हम लोग टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं ना, हम कहते हैं कि टेम्परेचर इतना डिग्री सेल्सियस ऐसे ऐसे है ना, इस तरह से। तो उसी तरह से वायु दाब को मापते हैं मिलीबार में। अब मान लो एक स्थान है ए, एक स्थान है बी, यहाँ पर जो वायु दाब है, यहाँ पर जो वायु है ये लिख ले, मान लो ऐसे हमने वायु बना लिया, ठीक है, ये गैसें हैं और गैसों के मिश्रण को हम वायु बोलते हैं। यहाँ पर मान लो 900 मिलीबार है, ठीक, और यहां पर क्या है, वायु दाब ज्यादा है, और वायु दाब कब ज्यादा होगा, जब वायु की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, वायु की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। और ए पर क्या है, टेम्परेचर क्या है, ए का जो टेम्परेचर है वो कम है। तो ध्यान देना, टेम्परेचर और ये सब चीजें ध्यान कर लीजिए, ये बहुत, अब समझो, ये देखो यहां का क्या है, टेम्परेचर कम है, तो यहां पर क्या है, हाई प्रेशर, यहां पर क्या है, हाई प्रेशर, और यहां पर टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, तो यहां पर है लो प्रेशर। लो प्रेशर कितना है, 900 मिलीबार, यहां पर है 1000 मिलीबार, अर्थात अंतर कितना हुआ, दोनों के बीच का अंतर क्या है, 100 मिलीबार,
100 मिलीबार। और 100 मिलीबार का अंतर क्या है, यहां से इस हाई प्रेशर से हवा क्या करेगी, इस लो प्रेशर को भरने के लिए चलेगी, तो ये क्या हो गई, पवन हो गई। और ये पवन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रही, अंतर कितना है 100 का, अर्थात 100 मिलीबार का, ठीक है। तो देखिए, जब दो स्थानों की, मान ले ए और बी के, है ना, बीच वायु दाब का अंतर, ध्यान देना, बीच वायु दाब का अंतर, वायु दाब का अंतर जितना अधिक होगा, वायु दाब का अंतर जितना क्या होगा, अधिक होगा वायु की गति उतनी ही ज्यादा होगी, अर्थात जो वायु दाब का अंतर है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं PGF, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। दो स्थानों, कोई भी दो स्थान हो, उनके बीच का जो वायु दाब का अंतर है, उसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, हिंदी में बोलते हैं वायु दाब प्रवणता बल, वायु दाब प्रवणता बल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये कि फोर्स काम करता है, ये जो लो प्रेशर है ये हाई प्रेशर से वायु को आकर्षित करने का प्रयास करता है, एक फोर्स लगाता है। जैसे आपने मैग्नेट को देखा होगा, चुंबक को देखा होगा, तो चुंबक का बड़ा जो कण होता है वो छोटे कण को खींच लेता है, इसी तरह से लो प्रेशर हाई प्रेशर से हवा को अपनी ओर खींचता है, तो इसको बोलते हैं PGF। PGF जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, वायु की गति अधिक होगी। इसका मतलब है कि अगर आप कभी यह सुने कि किसी स्थान पर तूफान आया, तो समझ जाइएगा कि जहां पर तूफान आया है वहां पर पहले लो प्रेशर था, और जहां से तूफान आ रहा है, जिस क्षेत्र से, मान लो लो प्रेशर, और यहां से क्या हुआ, इस दिशा से तूफान आ, तो यहां पर क्या है, हाई प्रेशर है, और इस लो प्रेशर और हाई प्रेशर का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, वायु क्या होगी, उतनी ही तूफानी होगी। इसको आपने नोट भी किया होगा, आप जब प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े होने के क्रम में आपने देखा होगा कि कई बार एक्सप्रेस कोई गाड़ी आई, वो नहीं रुकी स्टेशन पर, वो चली गई, तो जब एक्सप्रेस ट्रेन गुजरती है तो उसके पीछे से हवा भी झटके के साथ आपको धक्का से देती है, या वायु का झोंका उसके पीछे पता चलता है, ये आपने देखा होगा। लेकिन अब उसी प्लेटफॉर्म पर कुछ देर बाद शताब्दी आती है, राजधानी आती है, फुल स्पीड में उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। अब देखो, यहां पर आपको वायु का झटका या जो वायु का झोंका आएगा वह तीव्र गति का होगा। क्यों तीव्र गति का होगा, क्योंकि राजधानी और शताब्दी ने बड़ी मात्रा में वहां की वायु को अपनी गति से हटा दिया, वहां पर जो लो प्रेशर क्रिएट किया वह एक्सप्रेस ट्रेन की तुलना में ज्यादा था, और जैसे ही वहां की वायु राजधानी और शताब्दी ने तीव्र गति से हटाई, पीछे से, ट्रेन के पीछे से वह एक हाई प्रेशर उसको भरता हुआ आगे बढ़ता है, और इसी में देखेंगे कि ट्रेनों के पीछे उतनी ही गति से वायु भागती है। ऐसा नहीं है कि वायु जो भाग रही है ट्रेन के पीछे उसका उद्देश्य किसी को खुश करना है, ऐसा नहीं है कि उसने कोई टिकट ले रखा है और वो सीट पर बैठना चाहती, नहीं, वो तो अपना काम करना चाहती है, वो जहां जहां पर लो प्रेशर बन रहा है उसको भरते हुए आगे बढ़ जाती। समझ पाए इसको, आप देखो, तो आपने ये समझ लिया कि टेम्परेचर किस तरह से वायु दाब को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। अब ये सब चीजें क्या करेंगे, मिलकर मॉनसून को लाएंगे। इसी क्रम में एक चीज और समझिए, और एक चीज हाँ यहां पर समझिए, ठीक है। देखिए, किसी स्थान का जो तापमान है, है ना, किसी स्थान का जो तापमान है, अर्थात वहां पर जो हीट की मात्रा है, जो ऊष्मा की मात्रा है ना, हीट या ऊष्मा की मात्रा है, वह क्या करेगा, स्थल और जल दोनों को गर्म करेगा, है कि नहीं। अगर आप गैस पर क्या करें, तवा को रख दें, वो ठोस है, उसको भी गर्म करेगा, और उसी गैस पर आप पानी को रख दें, उसको भी गर्म करेगा। लेकिन
तवा जो है कि तीव्र गति से गर्म होगा क्योंकि वो ठोस पिंड है, सॉलिड है। वहीं जल क्या है, वह द्रव अवस्था में है, वह आसानी से गर्म नहीं होगा। आपको पता है कि स्थल के जो कण होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जल के कण थोड़े थोड़े क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसलिए जल थोड़ा सा धीमे गति से क्या होता है, गर्म होता है। तो स्थल क्या होता है, ये जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, जल क्या होता है, यह जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, है कि नहीं, जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। वहीं जो जल है वह धीमी गति से ठंडा होगा, धीमी गति से गर्म और धीमी गति से क्या हो जाएगा, ठंडा होगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम मान लें यह एक स्थल है, इसका वजन है 1 kg, ठीक, इसका वजन है 1 kg, ठीक, और यहाँ पर एक 1 liter पानी है, 1 liter पानी है, दोनों का टेम्परेचर अभी मान लो 15 degree Celsius है। दोनों के टेम्परेचर को आप अगर 16 degree Celsius करना चाहते हैं तो आप क्या कर, आप देखेंगे कि इसका अर्थात यह जो ठोस भाग है, यह ठोस है, ये क्या है, द्रव लिक्विड है, तभी तो हमने लीटर में दिखाया है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, जल्दी गर्म, इसका टेम्परेचर जल्दी 1 degree Celsius क्या हो जाएगा, जल्दी बढ़ जाएगा, लेकिन इसका नहीं बढ़ेगा उतनी जल्दी। इसका मतलब है कि इस ठोस की तुलना में, ठोस या स्थल, स्थल भाग क्या है, ठोस है ना, तो स्थल की तुलना में जल को उतना ही गर्म होने में क्या होता है, 2.5 गुना ज्यादा एनर्जी लगती है। कितना ज्यादा एनर्जी लगती है, 2.5 गुना ज्यादा एनर्जी लगती है, 2.5 times 2.5 गुना क्या होता है, ज्यादा ऊर्जा चाहिए होता है, ज्यादा ऊर्जा, तब जाकर क्या होता है, जल क्या होता है, गर्म होता है। इसका मतलब है कि जब यह हमारी जो पृथ्वी है, यह हमारी पृथ्वी और यहां पर यह जो भी जहां पर भी सूर्य की किरणें, जहां पृथ्वी है और यहां पर किसी न किसी भाग पर सूर्य की किरणें क्या होंगे, सूर्य की किरणें कहीं ना कहीं पर क्या होंगे, लंबवत होंगे, और जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत होंगे वहां का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन लेकिन इसी समय आप देखेंगे कि स्थल का, स्थल क्या होगा, अधिक गर्म होगा, अधिक गर्म होगा, स्थल क्या होगा, अधिक गर्म होगा, और जल क्या होगा, जल जो है कि उतना गर्म नहीं होगा, जल उतना गर्म नहीं होगा। अब देखो यहां तक समझ लिए, अब समझ गए, अब मॉनसून आने वाला है। इसका मतलब यह है कि स्थल पर क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, स्थल पर बन जाएगा लो प्रेशर। अभी हमने बताया ना, टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो, स्थल पर बन जाएगा लो प्रेशर और जल पर क्या रहेगा, जल पर रहेगा हाई प्रेशर। समझ गए, अब देखो कैसे मॉनसून आता है, क्या यहां तक समझ गए कि नहीं, क्या यहां तक समझ गए कि नहीं, सब लोग बताइए यहां तक समझ गए, ठीक ठीक। मैंने कहा था एक एक चीज को जोड़ते हुए आगे बढ़ोगे, ये मॉनसून इतना अच्छे से आपका क्लियर होगा, इसके बाद कोई लेक्चर देखोगे, कोई किताब पढ़ोगे, कोई लेख पढ़ोगे, आपको लगेगा क्या लिख दिया है इन्होंने, क्या लिख दिया है, आधी अधूरी जानकारी लिख दी है, समझ रहे हो। क्लियर, चलो रिपीट कुछ भी नहीं होगा, है ना, रिपीट कुछ भी नहीं होगा, बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, कंसेंट्रेशन बना कर रखोगे एकदम क्लियर होगा, ठीक है। चल यहां पर आ जाते हैं, इसका मतलब हमने ये देखा कि जहां पर क्या होगा, एक ही समय जब स्थल क्या होगा, गर्म होगा, स्थल क्या होगा, गर्म होगा और स्थल पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा, वहीं पर समीप में जो जलीय भाग है, समीप में जो जलीय भाग, जलीय भाग का मतलब है यहां पर जो सागर का भाग है, वो सागर का भाग
कम गर्म होगा और वहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर। आप देखो इसका मतलब यह हुआ कि आप इसको इस रूप में समझिए। मान लेते हैं गर्मी का समय है और यहां पर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। तो इससे लगा हुआ, ध्यान देना, इससे लगा हुआ ये जो अरब सागर, ये जो बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ये जो हिंद महासागर का भाग है, ये क्या होगा, इसकी तुलना में, इस भाग की तुलना में क्या होगा, हाई प्रेशर वाला होगा। और हमेशा हवा कहां से चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो क्या हम यहां तक क्लियर कर पाए? अच्छा, अब यहां पर क्लियर कर पाए हैं तो एक चीज और इसमें जोड़िए, फिर हम क्या करते हैं, मानसून को लाते हैं। ये हमारी पृथ्वी, और इस पृथ्वी पर अगर हम देखें तो कुछ स्थानों पर वायु दाब की पेटियां मिलती हैं। प्रश्न आएगा ये वायु दाब की पेटियां क्या होती हैं। देखिए हमारी पृथ्वी पर, जैसे कि हमने कहा कि विषुवत रेखा पर क्या होता है, विषुवत रेखा पर हमेशा वर्ष भर टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। और वर्ष भर टेम्परेचर जब क्या होगा, यहां पर ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर ज्यादा है तो यहां पर क्या रहता है, लो प्रेशर। और इसकी तुलना में यह वाले जो क्षेत्र हैं, यह क्षेत्र, यह विषुवत रेखा की तुलना में यहां पर क्या होता है, यहां पर हाई प्रेशर होता है। और इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ऐसे पौने चलती हैं, ये बिंड इस तरह से चलती है, ठीक है, ये ऐसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रही है। इन पौनों को बोलते हैं ट्रेड विंड, ये ट्रेड जो है ना, जर्मन शब्द है, इसका अर्थ होता है एक निश्चित दिशा में वर्ष भर चलने वाली पौने। अच्छा, ये पौने कहां से चल रही हैं? यह चलती हैं, आप देख सकते हैं यहां से, ये आपका 30 डिग्री नॉर्थ, ये है आपका 30 डिग्री साउथ, ये 0 डिग्री, ठीक है, ये नॉर्थ और साउथ भी लिख दीजिए, है ना। कुछ लोग इसका भी बुरा मान जाते हैं कि आपने नॉर्थ और साउथ नहीं लिखा। यह जो पवन है इसका डायरेक्शन देखिए, इसका, है ना, मान लेते हैं हमने ए लिया, ये जो पवन है हमने ए बिंड को लिया और ये है बी, इसको लिया हमने, ठीक है। अब ए की दिशा देखिए, ऐसे ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, राइट। यह जो पवन है यह क्या इस डायरेक्शन में चल रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, और यह क्या करती है, यह जो ये पवन है या इस, ये जो व्यापारिक पवन है, कौन सी व्यापारिक पवन है, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन, इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन। और उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन, जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्या होता है, इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व से, और ये किधर की ओर चलती है, इस तरह से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। तो ये उत्तरी गोलार्ध की जो पौने हैं, ये जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं, ये अपने दाहिने मुड़ती हैं, हमेशा अपने दाहिने की ओर मुड़ेंगे। जैसे आप इधर से जा रहे हैं तो आपको जाना कहीं उधर है एकदम सीधे, लेकिन आप एकदम सीधे सीधे नहीं चल पाएंगे, ऐसे 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 क्या होगा, आप मुड़ते हुए चले जा रहे हैं अपने दाहिने। ठीक इसी तरह से यह जो पौने हैं, यह क्या करती हैं, अपने दाएं की ओर, और यह जो पौने हैं, यह पौने हमेशा आगे बढ़ते हुए अपने बाएं दिशा में मुड़ते हैं। और बाएं दिशा में मुड़ने का मतलब है ये ऐसे चलकर ऐसे ऐसे इनका बायां ए हो जाएगा, यही है व्यापारिक पौने। और अब हम क्या करते हैं, इन्हीं व्यापारिक पौनों से मानसून को लाने का प्रयास करते हैं। क्लियर, यहां तक क्लियर, ठीक है। चलो अब देखो, अब है समय आ गया है, अब भारत के संदर्भ में देखिए, ठीक है, अब हमने जितना भी ये साइंस समझा है इसको हम भारत के संदर्भ में, अपने देश के संदर्भ में अप्लाई करते हैं और मानसून को लाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे यहां पर 21 मार्च के बाद हमारे यहां पर क्या होगा, गर्मी बढ़ने लगेगी।
क्यों बढ़ने लगेगी? क्योंकि 21 मार्च के बाद जो सूर्य की किरणें हैं, वह कहां होंगी? वह उत्तरी गोलार्ध में, कर्क रेखा की ओर बढ़ेंगे, कर्क रेखा की ओर मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी, ये रहा इक्वेटर, ठीक है, और ये रहा हमारा कर्क रेखा, और ये रहा हमारा देश, ठीक, ये हमारा देश। अब जब यहां से ये सूर्य की किरणें उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो कर्क रेखा हमारे देश के, मध्यवर्ती भाग, लगभग मध्यवर्ती भाग से होकर गुजरती है। इसका मतलब यह है कि जब तक कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगे, उससे पहले ही, हमारा जो प्रायद्वीपीय भाग है वो गर्म होने लगता है। तो जैसे जैसे 21 मार्च के बाद सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत होंगी, हमारा जो दक्षिण भारत है, वह क्या होगा? गर्म होने लगेगा, और यहां पर देखें तो जून तक आते आते हमारा जो पूरा उत्तर भारत भी क्या हो जाएगा, उत्तर भारत भी गर्म हो जाएगा। अर्थात जब 21 जून को सूर्य की किरणें यहां पर पड़ेंगी तो यह भाग, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ रही हैं, तो यह भाग भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब देखिए उत्तर भारत का जो भूगोल है वह थोड़ा अलग है। उत्तर भारत में हम देखते हैं क्या है, मैदानी क्षेत्र है, और यहीं पर क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। अब देखो यहां पर एक चीज और समझिए, जो मैदानी और मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वह क्या होते हैं, तेजी से गर्म होते हैं, और जब ये तेजी से गर्म होंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। इसका मतलब है कि 21 जून या जून के माह में जब क्या होता है, सूर्य की किरणें यहां पर लंबवत हैं, तो ये प्रायद्वीपीय भारत वह पठारी भाग के रूप में है, वहां पर जंगली क्षेत्र हैं, वहां पर जो है कि वर्षा है, वहां पर समुद्र का प्रभाव है, और समुद्र के प्रभाव के कारण यहां पर टेम्परेचर एकदम ऊपर नहीं जा पाता है। लेकिन यह जो उत्तर भारत का यह वाला भाग है, यह क्या है, मैदानी भाग। आपको पता है कि बालू क्या होता है, कम टेम्परेचर में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो अब देखिए यह जो मरुस्थली और मैदानी क्षेत्र हैं, यह बहुत तेजी से गर्म हो जाते हैं, यहां पर टेम्परेचर जो है वह 45 से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, और इसके वजह से यहां पर बन जाता है लो प्रेशर। और यह जो लो प्रेशर है क्या करता है, अब हाई प्रेशर से वायु को क्या करता है, आकर्षित करता है, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यही पर एक चीज और समझिए, अभी चूंकि मई और जून का समय है तो सूर्य की किरणें क्या है, यहां पर लंबवत है, लेकिन यहां पर सिर्फ स्थलीय भाग तो है नहीं, यहीं पर क्या है, जलीय भाग पे। अब देखिए ये वाला जो जलीय भाग है ये भी क्या हो रहा था, गर्म हो रहा था, और ये जो जलीय भाग है ये क्या होता है, ये भी गर्म हो जाता है, ठीक है। मतलब मई और जून में, जब यहां पर लो प्रेशर बना, लो प्रेशर जब यहां पर बना, उस समय हमारा जो इंडियन ओशन का क्षेत्र है ये कौन सा है, हिंद महासागर, ठीक है, ये हमारा इंडियन ओशन। तो जो इंडियन ओशन है इसका भी तापमान क्या हो चुका होता है, बढ़ चुका होता है, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा इसका तापमान स्थल से कम ही होता है, स्थल से क्या होगा, कम होगा। और स्थल से कम होने का मतलब यह है कि यहां पर, क्या होगा, स्थल की तुलना में हाई प्रेशर, क्योंकि क्या है, गर्म, उतना गर्म नहीं है, जो भाग जितना गर्म वहां पर उतना ही लो प्रेशर। ये सागर वाला भाग गर्म तो है लेकिन इतना गर्म नहीं है कि जैसा लो प्रेशर यहां पर बना है ऐसा यहां पर बन जाए। इसका मतलब यह जो लो प्रेशर है इसकी तुलना में यहां पर जो प्रेशर है वह क्या है, वह हाई है, यह क्या है, हाई प्रेशर, ठीक। अब क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलेगी। इसका मतलब है कि जब हमारे उत्तर भारत में, लो प्रेशर बन गया तो
तो इसको भरने के लिए हिंद महासागर से क्या करेंगे, पौने चलेंगे। और ये क्या हो गया? अच्छा, हिंद महासागर से पौने चलेंगे। और यह पौने क्यों चलेंगे? क्योंकि हिंद महासागर में इसकी तुलना में क्या है, हाई प्रेशर। इसका क्या मतलब हुआ कि देखो, तापमान तो स्थल का भी बढ़ा और जल का भी बढ़ा। जैसे आप दो लोग हो, है ना, दोनों लोगों को गुस्सा तो दोनों लोगों को आया, लेकिन एक को गुस्सा ऐसे आया, वो क्या कर रहा है, अपना खोपी तोड़ रहा है। एक को गुस्सा बस इतना आया, वो कह रहा है ए भाई, तोड़ना है तो तोड़ ले, मैं तुझे समझाने नहीं चाहूंगा। वो भी गुस्से में है, लेकिन इतना गुस्सा नहीं कि अपनी खोपड़ी फोड़े। और दूसरा क्या कर रहा है, खोपड़ी फोड़ने तुला हुआ। ठीक इसी तरह से यहां पर भी लो प्रेशर है, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा, यहां का भी टेम्परेचर ज्यादा, लेकिन इसकी तुलना में हाई प्रेशर। अब प्रश्न आएगा कि मैं इसका टेम्परेचर क्यों बढ़ा रहा हूं और क्यों इस पर जोर दे रहा हूं। देखो, हिंद महासागर का भी तापमान थोड़ा सा बढ़ चुका है, और हिंद महासागर का जब तापमान क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, हिंद महासागर में क्या है, इसका भी थोड़ा सा तापमान क्या है, बढ़ा है। अब देखो, सिंध महासागर का तापमान बढ़ने का मतलब है कि जल क्या हो गया है, थोड़ा गर्म हुआ है। ठंडी की तुलना में हिंद महासागर का टेम्परेचर इस समय बढ़ चुका है और जल थोड़ा सा गर्म हो चुका है। जल जब गर्म हो चुका है तो अब क्या हो, गर्म जल का क्या होता है, बाष्पीकरण ज्यादा होता है। अब जो बाष्पीकरण होगा तो ये क्या होगा, बाष्प के रूप में होगा। और ये बाष्प क्या होगा, यह पौनों में मिश्रित हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हिंद महासागर, ये मान लो हिंद महासागर, तो ये है आपका हिंद महासागर। और हिंद महासागर का अभी जब तक ठंडी का समय था इसके जल का तापमान मान लो 14 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अब क्या हुआ, गर्मी का समय आ गया है तो यहां का टेम्परेचर हो गया 18 डिग्री सेल्सियस। अब 18 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, 14 डिग्री सेल्सियस की तुलना में क्या होगा, बाष्पीकरण ज्यादा होगा। और यह बाष्प ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे बाष्प के रूप में इस तरह से देखने को मिलेगा। अब यहां पर क्या होगा, जो भी पवन चलेगी तो पवन क्या करेगी, कोई भी पवन जब इधर से होकर ऐसे जाएगी तो इस बाष्प को क्या करेगी, पवन अपने साथ बाष्प को लेकर आगे बढ़ेगी। बाष्प का मतलब है कि पवन में क्या है, नमी। और यही नमी आगे चलकर क्या करेगी, यही नमी आगे चलकर क्या करवाएगी, वर्षा करवाएगी। इसको समझिए, आइए आप देखो, मैं मॉनसून को अब ला रहा हूं, तो जितने लोग रुक गए होंगे उनका मॉनसून अब क्लियर होगा, और जितने आए होंगे पता नहीं गुरुजी क्या हाई प्रेशर लो प्रेशर कर रहा है। तो हम लोगों से कई बार पूछा जाता है कि क्या सर आपको भी लग जाता है कि कौन फेल होगा कौन पास, तो इसका उत्तर है नहीं। फिर कह नहीं सर कुछ तो लगता होगा, तो हाँ कुछ जरूर लग जाता है, लगभग 60% हमें पता चल जाता है कि कौन सिलेक्शन के लिए एलिजिबल है। वो कैसे पता चलता है, उसकी समझने की क्षमता से, उसकी लगन से, कि किसी चीज को वो किस तरह से समझना चाहता है। जैसे हम लोग जब ओरिएंटेशन क्लास लेते हैं, जब हम पर्सनल गाइडेंस किसी को देते हैं, हम उससे कहते हैं कि तुम ये पढ़कर बताओ थोड़ा, और जब वो पढ़कर बताता है हमें पता चल जाता है इसका लेवल क्या है। हम बार बार उसको करेक्ट करते हैं कि नहीं नहीं, अगर ये लेवल रहा तो दिक्कत होगी, और जो उसके फीडबैक के अनुसार चेंज कर लेता है वो चमक जाता है। और जो भाग जाता है उससे क्या होता है, रिजल्ट भी भागता ही रहता है। तो क्या होगा, हमेशा रिजल्ट के पीछे पीछे भागेगा, लेकिन अपने आप को इतना योग्य नहीं करेगा कि रिजल्ट के बगल में आके खड़ा हो जाए और कहे अब बताओ कहाँ जाओगे, नहीं हो सकता। ये कौन कर सकता है, जो कहे कि रिजल्ट को कहे, अच्छा तुम हमसे बने हो ना, हम बताते हैं अभी आपको, थोड़ा सा रुको, कमियां बहुत हैं हमारे अंदर, तो हमें पता है तुम इतनी आसानी से मिलोगे नहीं, लेकिन जो तुमको चाहिए हम अपने अंदर सभी चीजों को डालते चलेंगे।
हम अपने आप को तुम्हारे हिसाब से ढालते चलेंगे, देखते हैं कहां तक जाओगे। तो जो ढालने का गुण है उसमें एक चीज होती है लर्निंग, किसी चीज को गहराई से समझना, और वो सब में नहीं होते। ठीक है, राधिका सिंह जी देखेंगे बच्चे, पता करवाएंगे। ठीक है, पानी पी लेने दो, ठीक है पानी पी लेने दो, ठीक है एक सेकेंड। देखो लगभग एक घंटा हो गया, नहीं लगभग एक घंटा हो गया, और मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था, मॉनसून हम कब लाएंगे, हम मॉनसून कब लाएंगे, रुकिए अभी दिखाता। मॉनसून देखिए हमने क्या कहा था, एक से डेढ़ घंटे बाद आएगा, एक घंटा हो गया और अभी हम यही चीजें समझ पाए, और अभी तो मॉनसून आएगा, झमाझम बारिश करेगा, मॉनसून क्या होगा, लौटेगा, तो जब आएगा तब वर्षा करेगा, जाएगा तब वर्षा करेगा, बहुत कुछ समझना है। इसलिए हमने भी पानी का बोतल भर कर रख लिया है, आप भी भर कर रख लीजिए। आइए अब देखिए, हमने कहा कि भैया ये रहा इक्वेटर, अरे क्या हो रहा, एक सेकंड दीजिए, ये हमारा इक्वेटर, ठीक विषुवत रेखा। 21 मार्च के बाद क्या होगा, सूर्य की किरणें यहां कर्क रेखा की ओर बढ़ेंगे, और इस क्रम में अब देख ध्यान देना, जब सूर्य की किरणें यहां, ये है मकर रेखा, ये क्या है मकर रेखा, और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें कब लंबवत होती हैं, 22 दिसंबर, है कि नहीं, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत हुई हुई। अब मकर रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत हैं, मुझे एक चीज बताइए, क्या इंडियन ओशन गर्म हो रहा है कि नहीं, क्या इंडियन ओशन गर्म हो रहा है कि नहीं, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर 22 दिसंबर को लंबवत हैं, इंडियन ओशन गर्म होगा, इंडियन ओशन गर्म होगा, जल्दी जल्दी बताइए, होगा। अच्छा अब देखो, 22 दिसंबर के बाद जब सूर्य की किरणें 21 मार्च तक कहां पर, कर्क विषुवत रेखा पर पहुंचेंगे, इस बीच वो इंडियन ओशन को गर्म कर रही हैं। अब ध्यान देना, 21 मार्च के बाद जब सूर्य की किरणें फिर से क्या हो रही, उत्तरी गोलार्ध में बढ़ रही हैं, तब भी क्या हो रहा है, इंडियन ओशन गर्म हो रहा है कि नहीं गर्म, ध्यान दीजिएगा, हर समय काल में ये क्या कर रहा है, इंडियन ओशन को गर्म कर रहा है। इंडियन ओशन के गर्म होने का मतलब क्या है कि यहां पर जो जल है वह गर्म हो चुका है, और गर्म जल क्या करेगा, बाष्पीकरण ज्यादा करेगा, गर्म जल क्या करेगा, गर्म जल से बाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा होगा। आप समझो, तो यहां पर समय के आगे बढ़ा और समय आ गया जून का, जून के समय यहां पर ये जो हमारा भाग है यहां पर क्या बन गया, यहां पर बन गया लो प्रेशर। अब ये लो प्रेशर क्या है, बहुत इफेक्टिव है, तो यह क्या करेगा, अपने से उच्च वायु दाब से वायु को आकर्षित करेगा, कौन सा वायु, ये देखिए, ये जो इंडियन ओशन का भाग है, अब यहां पर भी क्या है, जल तो गर्म हुआ है लेकिन स्थल कितना गर्म नहीं हुआ, स्थल यहां पर लो प्रेशर क्यों बना है, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर क्या हो चुका है, 45 से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। उसी समय इंडियन ओशन का जो औसत टेम्परेचर है वह कितना है, 23 से 24 डिग्री सेल्सियस, वह कितना है, 23 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस। इस समय आप देख सकते हो जो अंतर कितना है, लगभग कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। ऐसे में क्या होगा, यहां पर होगा हाई प्रेशर, यहां पर क्या बन गया, हाई प्रेशर, और इस हाई प्रेशर से क्या होगा, हवा इधर की ओर, भारत की ओर चलेगी हवा, क्या ये हवा चली, सब लोग बताइए, चली हवा, इसको इस रूप में समझिए, यहां पर ले लीजिए, ये देखिए ये रहा हमारा इक्वेटर, ठीक, और
यहां पर हमारा देश है यहां पर, ठीक, और यहां पर है आपका कर्क रेखा, ऐसा ही तो है। तो यहां पर जब लो प्रेशर बना, ये वाला जो भाग है यहां पर बना लो प्रेशर, तो इस लो प्रेशर को भरने के लिए अब जो हवा वायु चलेगी इस हाई प्रेशर से चलेगी। इस हाई प्रेशर से चलने का मतलब है कि यहां पर हवा ऐसे आएगी, और यह जो हवा आ रही है दक्षिणी, ध्यान देना, दक्षिणी हिंद महासागर से आ रही है, उस हिंद महासागर से जो इक्वेटर के दक्षिण में, जो इक्वेटर के दक्षिण में इंडियन ओशन है वहां पर बना हुआ है हाई प्रेशर, उससे हवा आगर बढ़ेगी। इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर ठीक यहां पर देखो, ये रहा, यहां पर बन गया हमारा लो प्रेशर। इस लो प्रेशर को भरने के लिए यहां पर क्या है, सापेक्षिक रूप से हाई प्रेशर। अब इस हाई प्रेशर से हवा क्या होगी, ऐसे ऐसे, ये पूरा हाई प्रेशर का क्षेत्र, ठीक, यहां से हवा आएगी। अब देखो यहीं पर क्या है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। तो जैसे ये पौने क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ रही हैं, यह इक्वेटर को क्रॉस करेंगे, विषुवत रेखा को क्रॉस करेंगे। क्यों क्रॉस करेंगे, इनको यहां पर जाना है। अब ये हवाएं कोई बाउंड्री नहीं देख रही हैं, कोई क्षेत्र नहीं देख रही हैं, इनके अंदर एक मिलन की आस है। इन्होंने सोचा है कि हम मिलकर आएंगे, किससे मिलकर आएंगे, लो प्रेशर से। तो इन्होंने क्या किया, इक्वेटर को क्रॉस किया, और इक्वेटर को जब क्रॉस किया तो ये आगे की ओर, हमने क्या बोला था, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं क्या करती हैं, अपने दाहिने ओर, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो हवाएं हैं वह क्या करती हैं, अपने दाएं ओर मुड़ते हैं। अब ये हवाएं जब यहां पर आएंगी तो इनका जब दाया आप देखोगे तो ऐसे बढ़ती हुई आएंगे, और इससे ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भाग है इसके दक्षिणी हिस्से से ये हवाएं टकराएंगी, और हवाएं टकराकर ये दो भागों में, यहां पर हवाएं आई, एक हवा टकराकर ऐसे और एक हवा टकराकर इस तरह से इस लो प्रेशर को भरने के लिए आगे की ओर बढ़ेगी। दोनों को लो प्रेशर ही भरना है, और इससे टकराकर क्या हुआ, यह दो शाखाओं में डिवाइड हो गई, जाएंगे सब यहीं पर लेकिन दिशा क्या होगी अलग। जैसे आप दौड़ते हुए ऐसे जा रहे हो, बीच में क्या हुआ, कोई चीज ऐसा ट्रक टाइप का आ गया है ना, दो लोग, एक लोग इधर मुड़ गए, एक लोग इधर मुड़ गए, और सबने बोल रखा है कि भैया पॉइंट कौन सा है, वहां पर है, दूर है। तो आपने कहा कि ठीक है मैं इधर मुड़ जाता, तुम इधर मुड़ जाओ, जल्दी से दौड़कर वहां पर पहुंचो। ठीक यही चीज यहां पर, हवाएं, एक हवा इधर से आई, एक हवा इधर से आई, और यह हवाएं जब क्या होंगे, दो ब्रांचों में बटकर आगे की ओर बढ़ेंगे, तो एक यहां पर पश्चिमी घाट पर्वत है हमारा उसके समानांतर, और एक हवा ये जो पूर्वोत्तर भारत है पहले यहां पर आएगी, यहां से टकराकर हिमालय के सहारे सहारे इधर की ओर बढ़ेगी, और बाकी अरावली के समानांतर बढ़ते हुए यहां तक पहुंचेगी। और यह जो कंडीशन होगी ये कब तक होगी, 15 जुलाई तक हमारे देश के सभी हिस्सों में क्या होगा, यह वायु पहुंच जाएगी। अब देखिए ये हमने क्या कहा, ये कौन सी पौने हैं, यह जो पौने हैं ये हैं व्यापारिक पौने, ये कौन सी हैं, व्यापारिक पौने, और व्यापारिक पौने कहां से आ रही हैं, हिंद महासागर से आ रही हैं। ये कहां से आ रही हैं, हिंद महासागर से, और हिंद महासागर से आ रही हैं तो इनके पास क्या है, नमी है, इनके पास क्या है, इन्होंने क्या किया, ये नमी है। नमी क्यों है, क्योंकि हिंद महासागर का भी तापमान क्या था, ज्यादा था, और बाष्पीकरण हुआ होगा, और ये बाष्पीकरण अर्थात बाष्प को लेकर व्यापारिक पौने आगे बढ़ रहे हैं, और व्यापारिक पौने जब आगे बढ़ रही हैं तो ये क्या होगा, बढ़ती हुई जो व्यापारिक पौने हैं यह हमारे प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी हिस्से से टकराकर, दक्षिणी हिस्से से टकराकर दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे, दो भागों में क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगे, और दो भागों में विभाजित होकर ये पौने क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ध्यान देना, अब आगे बढ़ती हुई ये जो पौने हैं इनमें क्या है, नमी है, और नमी का मतलब है ये क्या करेंगे, नमी किस रूप में है, बाष्प के रूप में। अब देख लो, अब एक चीज समझो, अब ये भूल जाओ, अभी बाष्प भूल जाओ, ठीक है, वाष्प भूल जाओ। अब देखो मेरे पास तो आज संडे है, समझ रहे हो, संडे है, टीम मेंबर भी नहीं आए, एक ही मेंबर आए हैं, सबने कह दिया गुरुजी ऐसा है,
आपको चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाना, पढ़ाओ, हम नहीं आएंगे। अरे हमने कहा मॉनसून है, क्या हम अब देख लेंगे, घर पर देख लेंगे, टाटा बाय बाय। उन्होंने कहा हमारे पास डेटा है, देख लेंगे गुरु जी, आज नहीं आएंगे। तो मैं एक चीज समझो, क्या आप लोगों ने ऐसी पानी की बोतल देखी है? क्या सब लोगों ने पानी की बोतल ऐसे देखी है? देखिए सब लोगों ने, सब लोगों ने देखा ठीक। अच्छा, अगर मैं क्या करूं, ये फ्रीज से पानी की बोतल निकाल कर लाऊं, ठीक है, फ्रीज से, या कोल्ड ड्रिंक तो आपने देखा ही होगा ना, कोल्ड ड्रिंक की बोतल आप लेते हो। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब हम उससे लेते हैं, दुकान वाले से लेते हैं, और हम जब घर लेकर जा रहे हैं, तो आपने कई बार नोट किया है कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल को अगर टच करते हैं तो आपके हाथ पर पानी आ जाता है, आ जाता है हाथ पर पानी। या आप कोई गिलास लो और उसमें ठंडा पानी डाल दो या कोल्ड ड्रिंक डाल दो, तो आप देखते हो कि जो पानी है गिलास के चारों तरफ आपको पानी महसूस होता है, और आप हाथ ऐसे रगड़ते हो तो पानी आ जाता है, आ जाता है, आ जाता है। अच्छा, अब ये जो पानी आपके हाथ में आया, ये कहां से आया? गिलास में लीकेज था या कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल थी उसमें लीकेज था? लीकेज तो कहीं नहीं था, पानी आया कहां से? आखिर जब हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक हमने खरीदा, उसने बढ़िया से क्या किया, उसने साफ करके कपड़े से दिया, बिल्कुल सूखा हुआ है, हम लेकर जाते हैं और क्या होता है, देखते हैं कुछ देर में इसके चारों ओर पानी पानी हो गया। कहां से आया पानी? कोल्ड ड्रिंक निकल रहा है क्या? नहीं। अब ये अगर मैं इसको फ्रिज से अभी निकाल कर लाया होता, तो यह जो बॉटल है इसके संपर्क में जो हवा है ना, इसमें नमी है, समझना, इस वायु में जो हम जिस वायु के संपर्क में है उसमें नमी है। वह नमी बस क्या है, अभी बाष्प के रूप में है, हमें दिख नहीं रही। अगर उस नमी को मैं ठंडा कर दूं तो अपने पुराने रूप में आ जाएगी। कैसे? जब यह पानी, आप ठंडा पानी किसी गिलास में डालते हो तो उस गिलास के चारों जो हवा है वो तुरंत उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, गिलास के संपर्क में आने से, ठंडे सरफेस के संपर्क में आने से उसका तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब ऐसी तापमान कम हुआ तो जो उसमें नमी गैस के रूप में थी वह नमी क्या हो जाएगी, अपने पुराने रूप में आ जाएगी। नमी अर्थात वाष्प का पुराना रूप क्या है, जल। जल ही तो वाष्पीकृत होकर हमारे हवा में घूम रहा है, जल ही तो। जैसे उसका टेम्परेचर कम होगा वह जल की बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे हम गिलास में देखते हैं कि गिलास को हम टच करते हैं, और गिलास को टच करने की वजह से उसकी जो नमी है, गिलास को टच करने की वजह से उसकी जो नमी है वह हमारे हाथों में आ जाती है, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, संघनन। क्लियर है? अब उसी तरह से देखो, अभी जो बाष्प वाली नमी है, यही नमी युक्त वायु क्या होगी, आगे बढ़ेगी। और वायु, यह वायु क्या करेगी, जब किसी पर्वत से टकराएगी, क्या होगा, पर्वत, जैसे मान लो पश्चिमी घाट पर्वत, पर्वत से टकरा कर यह उसके ढाल के सहारे, पर्वत के ढाल के सहारे क्या करेगी, ऊपर उठेगी। अब ध्यान देना, ढाल के सहारे जब कोई वायु ऊपर उठती है तो जैसे जैसे वायु ऊपर जाती है टेम्परेचर क्या होता है उसका, कम होता है, तापमान क्या होता है, कम होता है। जैसे अभी खूब गर्मी पड़ रही है, लेकिन आप खुद पर्वत पर चले जाओ तो ठंडक लगता है कि नहीं, वहां की वायु ठंडक होती है कि ठंडी होती है कि नहीं। ठीक इसी तरह से कोई यहां पर ऐसी खूब हवा आए और यहां पर इस बोर्ड से टकराकर ऊपर की ओर उठती जाए, खूब ऊंचा बोर्ड है, यह 2-3 किलोमीटर ऊंचा है। अब जैसे जैसे वायु टकराकर इससे ऊपर की ओर जाएगी, ऊपर वायुमंडल क्या है, ठंडा है, और जब टेम्परेचर क्या है वहां पर, कम है, ठंडा है, तापमान वहां पर कम है, तो बाष्प क्या होगा, अपन ठंडा हो जाएगा, और बाष्प ठंडा होकर क्या होगा, अपने पुराने रूप में आएगा, बाष्प अपने पुराने रूप। और बाष्प का पुराना रूप क्या है, जल, अर्थात क्या बनेंगी, जल की बूंद। और जल की बूंद बनने का मतलब क्या है, वर्षा। जल की बूंद बनने का मतलब क्या है, वर्षा होना। क्लियर हो गया, जल की वर्षा हो गया, तो यहां पर क्या हुआ, जल के रूप में यह कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक,
जल की बूंद, और इस तरह से क्या होगा, पर्वतों के सहारे वर्षा हो जाती। यहां पर आइए, इसको समझिए। ये हमारा पश्चिमी घाट पर्वत, ये हमारा पूर्वोत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, ये है हमारा हिमालय, ये है हमारा अरावली पर्वत। हमने कहा कि मानसून आया और इससे टकराया, इससे टकराकर एक ब्रांच इधर की ओर और एक मुख्य ब्रांच इधर की ओर, इससे टकराते हुए आगे बढ़ेगी। अब जब ये मानसून के पौने इस पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से टकराकर जैसे जैसे ऊपर उठेंगे, वह ठंडे क्षेत्र में जाएंगे, और ठंडे क्षेत्र में जाने का मतलब क्या है कि वह जो वायु है वह ठंडा होगा, और वायु जब ठंडा है तो उसमें जो वाष्प है वो भी ठंडा होगा, और वो जल की बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो क्या करेगा, वर्षा करेगा। और यही प्रक्रिया हर जगह हमें देखने को मिलेगी। और इस तरह से क्या होगा, मानसून की दो प्रमुख शाखाएं कई ब्रांचेस में डिवाइड होकर, कई ब्रांचेस में डिवाइड होकर यहां पर ये जो लो प्रेशर बना हुआ है इसको भरने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसको भरना इतना आसान नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा। तो क्या हुआ, यहां पर जो लो प्रेशर बना, इस लो प्रेशर को भरने के लिए हिंद महासागर से नमी युक्त जो पौने आई, यही नमी युक्त पौने क्या करेंगे, वर्षा करेंगे, यही क्या करेंगे, वर्षा करेंगे। और वर्षा करेंगे इसका मतलब क्या है, अब मौसम बदल गया। अभी तक वर्षा से पहले जो मौसम था वो शुष्क था, और अब क्या हो गया, मौसम में क्या हो जाएगी, मौसम हो जाएगा सुहावना, मौसम क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ऐसी पौने जो किसी खास मौसम में चलती हैं उन्हीं को बोलते हैं मानसून, इसी को बोलते हैं मानसून। और मानसून का मतलब ऐसी पौनों से है जो हमारे यहां पर वर्षा का कारण बनती है। क्लियर, 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 यहां तक क्लियर हुआ। क्लियर, अरे बच्चों सेशन को आपने शेयर नहीं किया ना, सेशन को आपने शेयर नहीं किया ना, तो लाइक किया आप लोगों ने। मैं सही बता रहा हूं, क्लासेस बहुत हैं मॉनसून पे, ऐसी बात नहीं है, मैं कोई पहला टीचर नहीं हूं जो मॉनसून समझा रहा हूं, लेकिन जिस तरह से समझा रहा हूं और अभी जितना समझाना है वो बहुत बेजोड़ है, दावे के साथ कह रहा हूं। जो लोग क्लास में बने रहेंगे दो घंटा हो या ढाई घंटा, उनको मानसून दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक बार सेशन को थोड़ा सा शेयर कर लीजिए, एक बार सेशन को शेयर कर लीजिए। लाइक करा है सर तो सेशन भी करो ना सर, प्लीज ना सर, शेयर क्यों नहीं करते हो सर, करो सर, प्लीज करो सर, करो सर। ठीक, क्लियर, 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 आगे बढ़े। अब देखिए हमने कहा मानसून का मतलब क्या हुआ, हमने ये देखा मानसून का मतलब है ना, सागर से आने वाली वह पौने, सागर से आने वाली वह पौने जो क्या करती हैं हमारे यहां पर, जगह मेरे पास कम है, वर्षा का कारण बनती, वर्षा का क्या करती हैं, कारण बनती। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, अब फिर से उसी तरह से। तो हमने ये देखा कि सूर्य की किरणें क्या होंगी, सूर्य की जो किरणें हैं यह 21 मार्च से नॉर्थन हेमिस्फीयर, एक सेकेंड, सूर्य की किरणें 21 मार्च से
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होंगी, लंबवत होंगी या ऊर्ध्वाधर कहिए, क्या होंगी, ऊर्ध्वाधर होंगी। इससे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन टेम्परेचर कहां पर ज्यादा बढ़ेगा, यह स्थल पर ज्यादा बढ़ेगा और सागर पर क्या होगा, कम बढ़ेगा। स्थल पर ज्यादा, सागर पर कम। स्थलीय भाग में क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, सागर में क्या बन जाएगा, इसकी तुलना में हाई प्रेशर। और इसी हाई प्रेशर को, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो हमारे देश में अभी हमने देखा पौने चली, इनको हमने बोला मॉनसून। अब इसका देखें, ये हमारा देश, ठीक, और ये हमारा कन्याकुमारी कहां पर है, 8 degree 4 minutes, राइट। और यहां पर हमारा अंडमान निकोबार, इसका ये जो पॉइंट है ये है 6 degree 4 minutes नॉर्थ और ये है 8 degree 4 minutes नॉर्थ। और यहां पर है आपका इक्वेटर 0 degree अक्षांश रेखा, राइट। और इसी के कारण अब देखो, सबसे पहले जो मानसून है, जैसे ही क्या होगा दक्षिणी गोलार्ध में, ये पूरा इंडियन ओशन, एक सेकंड लेना चाहो, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो पौने हैं ये क्या होंगे, ऐसे यहां से टकरा कर क्या होंगे, यहां पर आए। तो सबसे पहले चूंकि ध्यान दीजिएगा, यह जो हमारा अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार आइलैंड, इस एक सेकंड, इसको ANI भी बोलते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड भी बोलते हैं, ANI, ये रहा आपका ANI। तो अंडमान निकोबार पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले लो प्रेशर बनेगा, सबसे पहले अंडमान निकोबार पर लो प्रेशर बनेगा। इसी के कारण यहां पर अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर 20 से 21 मई को क्या हो जाएगा, मानसून आ जाएगा। सबसे जो दक्षिण में, दक्षिण से आती हुई पौने सबसे पहले दक्षिणी भाग पर भी तो पहुंचेंगे, सबसे पहले दक्षिणी भाग पर ही तो पहुंचेंगे। तो 20 से लेकर 21 मई को अंडमान के दक्षिणी हिस्से में मानसून आएगा। और यह हमारा कन्याकुमारी, यहां पर 1 जून को, सामान्यतः 1 जून को मानसून आ जाता है। अगर लेट होता है कई बार, तब यह 2 से 3 जून को यहां पर पहुंचता है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ेगा और तेजी से मानसून उत्तर की ओर बढ़ेगा। अगर हम देखें तो लगभग 10 से लेकर 15 जून तक आते आते मानसून यहां पर ऐसे, और 15 जुलाई तक मानसून यहां तक पहुंच जाएगा। 15 जुलाई तक मानसून क्या हो जाएगा, यहां तक पहुंच जाएगा। मानसून यहां तक क्यों पहुंच रहा है, क्योंकि यहां पर ये जो लो प्रेशर है, इस लो प्रेशर को ही भरने के लिए इधर से हवाएं क्या हो रही हैं, आकर्षित हो रही। इसका मतलब ये है कि यहां से आने वाली हवाएं कहां से आ रही, ये हाई प्रेशर है, इस हाई प्रेशर से आ रही, और ये हाई प्रेशर से हवाएं इस लो प्रेशर की ओर जो आ रही हैं। अब प्रश्न आएगा कि आखिर ये किस तीव्रता से आएंगे, तो देखो मैंने आपको अभी बताया एक कॉन्सेप्ट, PGF, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। इसका मतलब ये होता है हाई प्रेशर और लो प्रेशर का डिफरेंस। और मैंने आपको बताया था कि अंतर जितना ज्यादा होगा गति क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब है यहां पर एक फॉर्मूला बना लीजिए हमेशा के लिए कि PGF प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है किससे, वायु की गति अर्थात वेलोसिटी से, वेलोसिटी, और वेलोसिटी किसकी है ना, विंड्स की। अर्थात PGF बढ़ेगा तो वेलोसिटी अर्थात गति क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब है ये जो लो प्रेशर है, जितना ही लो हो और ये हाई, जितना ही हाई हो उतनी ही तीव्र गति से मानसून क्या होगा, आगे बढ़ेगा। अब देखिए एक सेकेंड, जब मानसून क्या हो, ध्यान देना, जब मानसून के लिए जो PGF हो अर्थात प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हो, जब वह अधिक होता है,
जब वह अधिक होता है। अधिक होने का मतलब है हिंद महासागर में, हिंद महासागर में, सब नोट करते चलना बच्चों, हिंद महासागर में जो हाई प्रेशर है वह बहुत हाई है और यहाँ पर जो स्थलीय भाग है, जो हमारा स्थलीय भाग है, यहाँ पर जो लो प्रेशर है वह खूब लो हो, तो यहाँ से जो पवने चलेंगी वह तीव्र गति से चलेंगी, वह तीव्र गति से, और तीव्र गति से आती हुई इन पवनों में क्या है, नमी है, और नमी ज़्यादा है क्या मतलब क्या है, यह वर्षा ज़्यादा करेंगे, वर्षा ज़्यादा करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पीजीएफ जब ज़्यादा होगा तो मानसून क्या होगा, प्रभावी होगा, मॉनसून अधिक क्या होगा, प्रभावी, अधिक क्या होगा, प्रभावी, और अधिक प्रभावी होने का मतलब यह है कि यहां पर जो वर्षा की मात्रा है वह ज्यादा होगी और कई बार यह क्या होगा, बाढ़ का भी कारण बन जाएगा, यह क्या होगा, बाढ़ का भी कारण बन जाएगा। क्लियर, क्लियर, क्या हम यहां तक समझ पाए, सब लोग बताइए, सब लोग बताइए क्या यहां तक क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, सब लोग बताइए, सब लोग बताइए बच्चों, सब लोग बताइए। मॉनसून ना ऐसा मॉनसून मस्त, जैसे क्या होता है कि जब हम लोग समझा रहे होते हैं, जैसे आप भी किसी को समझा रहे होते हैं, आपका प्रयास क्या होता है, एक एक चीज को क्लियर करना, और जब आप एक एक चीज क्लियर करते हो और सामने वाला समझ जाए, मजा आ जाता है। मैं अपनी तरफ से तो देखो एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं, आप में से जो लोग टॉपिक पर बने हैं, एक एक चीज मैंने इसीलिए बैकग्राउंड क्लियर किया, नहीं तो मॉनसून मेरे लिए भी बहुत आसान था, 10 मिनट में ला देना, लेकिन मुझे पता है उससे कुछ होगा नहीं। क्लियर यहां तक, अच्छा एक चीज और, एक चीज, अरे आपको पता है कि नहीं, पता है कि नहीं, आज एक और मैराथन होने वाला है, कहां पे लिखें, यहां पे लिख लेते हैं, ठीक, एक मैराथन होने वाला है, एनसीईआरटी मैराथन, कौन सा एनसीईआरटी, पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास सिक्स, तो ये जो क्लास है ये 5:30 से चालू होगी, टेलीग्राम पर हम और कंफर्म कर देंगे, तो मानकर चलो 5:30 से क्लास चालू होगी और कम से कम तीन घंटे की होगी। इसमें हमारा प्रयास ये है कि आज एनसीईआरटी को ख़त्म कर दिया जाए, अगर हो पाए तो, नहीं होगा तो भी बहुत बड़ा सेगमेंट तो कवर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, क्लियर, क्लियर। अब हमने ये देखा कि ये क्या होगा, मॉनसून जब पीजीएफ का अंतर क्या होगा, ज्यादा होगा तो ये वर्षा करेगा। अब प्रश्न आएगा कि भारत के, भारत में कहां पर कितनी वर्षा करेगा, कहां पर कितनी वर्षा, तो इसके लिए हम क्या करें, इसको ऐसे हम ले लेते हैं, ये हमारा क्षेत्र, ये हमारा, ठीक ऐसे, तो देखिए यहां पर, यहां पर ये रहा हमारा पश्चिमी घाट, ये हमारा पश्चिमी घाट, ठीक, तो पश्चिम, ये रहा पश्चिमी घाट, ये रहा अरावली, ये हमारा पूर्वी घाट, ठीक, यहां पर अगर हम देखें तो विंध्याचल सतपुड़ा वाला क्षेत्र और ये पूर्वोत्तर भारत का पहाड़ी क्षेत्र, तो मॉनसून जो है सबसे पहले यहां पर टकराकर खूब वर्षा करता है, तो यहां पर रेनफॉल अधिक, दूसरा यहां पर मॉनसून आता है तो यहीं पर मेघालय है ना, मेघालय वाला क्षेत्र, असम का पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत, यहां पर भी क्या होता है, वर्षा ज्यादा करता है। यहां पर अरावली से किनारे किनारे हो तो अच्छा, कुछ जगहों पर यहां पर क्या है, दर्रे भी हैं, यहां पर ना पर्वतों में दर्रे भी हैं, तो इनसे मॉनसून अंदर की ओर पहुंच जाता है और यहां पर वर्षा करता है। और फिर यहां पर आप देखेंगे तो ये आपका इस तरह से हिमालय पर्वत हमें देखने को मिलेगा और इसके सहारे होते हुए ये वर्षा, तो यहां पर भी वर्षा क्या होगा, ये ज्यादा करता है।
यहाँ पर जो वर्षा होती है वह सामान्यतः 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, यहाँ पर जो वर्षा होती है यह भी कुछ जगहों पर तो 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा, जैसे मेघालय का पठार वाला क्षेत्र, जो मेघालय का पठार वाला क्षेत्र है वहां पर तो वर्षा बहुत ज्यादा। मौसिनराम और चेरापूंजी देखेंगे तो वहां पर 1100 सेंटीमीटर वर्षा। इधर वाला जो क्षेत्र है यहां पर भी आप देखेंगे तो लगभग, मानकर चलिए रुकिए, ये पॉल्टी एनसीईआरटी वाला जो ना लाइन है इसको मिटा देते हैं, एक सेकंड, ठीक, हाँ ये थोड़ा सा ना हमारे पास और जगह मिल जाएगा, ठीक, क्लियर, यहां पर आइए। तो देखिए यहां पर भी क्या होगा हम देखेंगे तो 170 से लेकर 200 सेंटीमीटर आपको वर्षा मिलेगा। और ये जो हिमालय का दक्षिणी ढाल है, हिमालय का जो दक्षिणी ढाल है यहां पर भी 150 से लेकर 100 सेंटीमीटर आपको वर्षा देखने को मिलेगा। यह जो पश्चिमी भाग है, यह पश्चिमी भाग है, यहां पर आते आते क्या होती है वर्षा की मात्रा कम हो जाती है और यहां पर जो वर्षा है वो कितनी हो जाती है लगभग 80 से लेकर 90 सेंटीमीटर। और जो ये भाग है, ये पश्चिमी भाग है, यहाँ पर तो वर्षा क्या होती है बहुत कम होती है और वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो पाती है। प्रश्न आएगा कि यहाँ पर वर्षा कम क्यों होती है, तो देखो जब भी कोई मानसून पवन, इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक, ऐसे कर, जब भी कोई मानसूनी पवन क्या होगी आगे की ओर बढ़ेगी तो वह क्या करेगी, आगे की ओर बढ़ने के क्रम में जैसे जो भी पर्वतीय भाग आएगा उससे टकराएगी और पर्वतीय भाग से टकरा कर वह क्या करेगी वर्षा करना चालू कर देगी। अब कोई भी पवन है जब वह आगे की ओर बढ़ रही है और आगे की ओर बढ़ने के क्रम में वर्षा करते हुए आगे बढ़ रही है तो धीरे धीरे उसमें क्या आएगी, शुष्कता आ जाएगी। यही कारण है कि जब मानसूनी पवने पश्चिम की ओर पहुंचती हैं, पश्चिमी भाग में पहुंचती हैं, तब तक उनमें नमी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी होती है, क्योंकि पहले ही वो वर्षा क्या कर चुकी हो, ज्यादा नमी क्या हो चुकी होती है, कम हो चुकी होती है, और इसी के कारण वर्षा क्या हो जाती है पश्चिमी भाग में कम हो जाती है। क्लियर, बताइए क्लियर हो गया यहां पर। क्लियर यहां तक, एक है आईएस बाबू, कैप्रिकॉन और कैंसर पर एचपी क्यों, बच्चे तुमको नहीं लग रहा तुम्हारा एक घंटे से तुम यही अटके हो, है ना, एक घंटे से ही पटके हो, थोड़ा सा समझने का प्रयास किए होते तो ये भी क्लियर हो गया होता। आईएस की तैयारी नहीं करना होता, बहुत से कमेंट हम देखते हैं, लेकिन कमेंट ऐसे होते हैं कि हम खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मैंने बताओ ये बच्चे आईएस की तैयारी कर रहे हैं, टॉपिक कुछ चल रहा है, एक घंटे से एक ही मैसेज भेजे जा रहे हैं। सर शुतुरमुर्ग के अंडे का साइज क्या है, अरे शुतुरमुर्ग के अंडे का साइज नहीं पता करना, अपने दिमाग का साइज पता करो। आईएएस के नाम, कोचिंग के नाम पर आपको ये नहीं पता है कि कौन सी चीज कहां पर समझनी है, कौन सी कहां पूछनी है ना। तो क्या है शुतुरमुर्ग के अंडे का साइज बता दो गुरुजी, है पता है आपको, नहीं पता ना, नहीं पता, देखा गुरुजी को फेल कर दिया हमने, है नहीं, यही बात होती है इस सवाल, थोड़ा सा ये है ना, इसको अधिकारी बनना है ना, हमें अधिकारी बनना है। तो आपसे पहले भी अगर हम इस समय देखें तो लगभग करीब आईएएस की तैयारी करने वाले लोग संख्या पता है कितनी है, लगभग 25 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं। सीटों की संख्या कितनी है,
औसतन 1000, पास होने की पॉसिबिलिटी 0.1%, 0.1%, और आपका ओवर कॉन्फिडेंस कितना है 100%। हाँ गुरुजी, हम नहीं सुनते ये सब, हमें टॉपिक वॉपिक मतलब नहीं है, पहले जो हम पूछ रहे हैं उसको बताओ, ये टॉपिक वॉपिक तो हम कभी भी कर लेंगे। क्लियर? चलो, हमने ये देखा कि जो मॉनसून है ये क्या करेगा, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अनुपात में वर्षा करेगा, जहां पर नमी ज्यादा होगी वहां पर वर्षा की मात्रा ज्यादा। अब देखिए इसी से, एक सेकेंड लेना बच्चों, है ना। ठीक है, एक सेकेंड लीजिएगा, एक सेकेंड देना बच्चों। मेरे पास पेज खत्म हो गया था ना बच्चों, तो पेज जोड़ रहा हूं क्योंकि अभी टॉपिक बहुत बचा है। ठीक है, ओके, ठीक, देखते हैं। हाँ ठीक है, चलो, हमने ये देखा कि अगर क्या हो, जो हिंद महासागर जो है यहां पर उच्च वायुदाब हाई प्रेशर क्या होगा, अगर यहां पर हाई प्रेशर रहेगा तो यह मॉनसून को प्रभावी रखेगा, तो मॉनसून क्या होगा, प्रभावी होगा। और हिंद महासागर में हाई प्रेशर रहने के लिए जरूरी है, हिंद महासागर में हाई प्रेशर रहने के लिए आवश्यक यह है कि इसका तापमान ज्यादा ना बढ़े, है कि नहीं। जैसे कि अभी हमने एक फॉर्मूला आपको समझाया कि टेम्परेचर और प्रेशर का क्या है, इनवर्स रिलेशन है। अगर इसका टेम्परेचर क्या हो जाए, बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, मॉनसून हमारा कमजोर हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी ऐसी घटना जिससे हिंद महासागर का जल गर्म हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहां पर जो हाई प्रेशर है वह उतना हाई नहीं रहेगा और वह क्या हो जाएगा, हमारे मॉनसून को कमजोर कर देगा। तो हिंद महासागर का बढ़ता हुआ तापमान क्या करेगा, हिंद महासागर का गर्म होना मॉनसून पर निगेटिव इंपैक्ट अर्थात विपरीत प्रभाव डालेगा। तो प्रश्न आएगा कि क्या ऐसी कोई घटना होती है, क्या ऐसी कोई घटना होती है? तो हाँ, ऐसी घटना होती है, और ऐसी घटनाओं को हम दो नामों से जानते हैं। ठीक है, दो नामों से, एक को बोलते हैं इंडियन ओशन डाइपोल, ठीक, और दूसरा होता है एल नीनो इफेक्ट। क्या हमने इन शब्दों को सुना है, एक बार बताइए, क्या हम इन शब्दों से परिचित हैं, एल नीनो, लानीना, इन शब्दों से परिचित। इसका मतलब है कि अगर यहां पर कोई ऐसी घटना, इनमें अभी हम देखेंगे क्या है, कोई ऐसी घटना जिससे हिंद महासागर का जो जल है वह गर्म हो जाए, या फिर जो यहां पर चलने वाली पौने हैं वह क्या हो जाए,
कमजोर हो जाए, पौने कमजोर हो जाए। पौने कमजोर का मतलब है कि जो पवन सागर या महासागर, इंडियन ओशन से या हिंद महासागर से स्थल की ओर, अर्थात हमारे देश की ओर, स्थल अर्थात हमारे देश की ओर आ रहे, अगर वह धीमी गति से आए, या फिर उसमें नमी क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इसका निगेटिव इंपैक्ट किस पर पड़ेगा? मॉनसून पर पड़ेगा। उसका निगेटिव इंपैक्ट किस पर पड़ेगा? मॉनसून पर पड़ेगा। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? ये कितना प्यारा प्रश्न है। एक बच्चा है जिनकी आईडी बड़ी प्यारी नाम है, वो पूछ रहे हैं सर इंडियन ओशन क्या है। इस प्रश्न का क्या ही उत्तर दूं मैं, मुझे क्या करना चाहिए? इंडियन ओशन बताना चाहिए क्या है? क्लियर? ठीक। लेकिन मुझे एक चीज और कहना चाहिए कि प्लीज हम लोगों ने क्लास फर्स्ट पढ़ा होगा, सेकेंड पढ़ा होगा, थर्ड पढ़ा होगा, बहुत कुछ पढ़ते हुए यहां तक पहुंचे होंगे ना आईएएस की तैयारी करने। ये जो सागर है ना भैया, ये जो जल वाला भाग है, ये हिंद महासागर। अब चूंकि हम हिंद महासागर बता रहे हैं तो भाई कुछ सागरों को और जिक्र आने वाला है। ये है हमारा प्रशांत महासागर। अच्छा, यही प्रशांत महासागर जब आप ग्लोब बना देंगे तो देखो ये जो प्रशांत महासागर है यहां से लेकर ए वाला पूरा प्रशांत, इसको बोलते हैं पश्चिमी प्रशांत महासागर। ये कौन सा है? पश्चिमी प्रशांत महासागर। ये जो मैं बता रहा हूं ये बहुत से लोगों के लिए नया होगा, ये है पश्चिमी प्रशांत महासागर। ये जो है इसको बोलते हैं ए आपका, ये है पूर्वी प्रशांत महासागर, अब देखो कभी कंफ्यूज ना हो पाओ आप कि भाई कौन सा पूर्वी है कौन सा पश्चिमी, तो कैसे उसको याद रखोगे? ये हमारा जो है कि एशिया महाद्वीप का ये कौन सा हिस्सा है? पूर्वी हिस्सा। तो हमारे महाद्वीप के या किसी भी महाद्वीप का जो पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा होता है उससे लगा हुआ सागर होगा, ठीक। तो यह हमारा पूर्वी एशिया का भाग है, इससे लगा हुआ जो सागर होगा वह उस सागर का पश्चिमी किनारा होगा। तो देखो इससे लगा हुआ कौन सा सागर? प्रशांत। और अपोजिट होता है स्थल और जो है कि सागर का पूर्वी और पश्चिमी अपोजिट होता है। तो यह हमारे स्थल का क्या हुआ? पूर्वी किनारा। तो सागर का क्या हो जाएगा? पश्चिमी किनारा। ठीक इसी तरह से इंडियन ओशन के संदर्भ, इंडियन ओशन का यह जो भाग है, यह अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा किनारा हुआ? पूर्वी। और इससे लगा हुआ यह जो इंडियन ओशन का पार्ट है यह क्या होगा? इसको हम कहेंगे पश्चिमी प्रशांत, पश्चिमी हिंद महासागर। और ये देखो यह है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया का यह जो पश्चिमी भाग है इससे लगा हुआ यह जो इंडियन ओशन का भाग है इसको बोलेंगे पूर्वी हिंद महासागर। समझ पाए? इसी तरह से ये देख लो अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर से यहां पर जो सागर है ये देखो यूरोप का पश्चिमी भाग, लेकिन ये अटलांटिक महासागर का कौन सा होगा? पूर्वी भाग। ठीक, ये देखो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका का कौन सा भाग है? पूर्वी। और इससे लगा हुआ ये सागरीय जो भाग है ये पश्चिमी अटलांटिक महासागर। इसी तरह से यह जो महाद्वीप का क्या है? पूर्वी किनारा। और इससे लगा हुआ यह जो अटलांटिक महासागर है क्या होगा? पश्चिमी। क्लियर? चलो अभी तो बहुत कुछ समझना है, अभी ये बहुत लोगों को नहीं पता हो, हकीकत तो यही है। ये जो मैंने पूर्वी और पश्चिमी बताया बहुत से लोगों को नहीं पता, लेकिन इंडियन ओशन क्या है इस प्रश्न ने थोड़ा सा मुझे विचलित किया
तो मैं उम्मीद करूंगा कि सिर्फ आप आईएएस की कोचिंगों को नहीं करेंगे, आईएएस की कोचिंग कहीं फ्री में मिल रही है तो सिर्फ उसको ज्वाइन नहीं करेंगे, मेहनत भी करेंगे। कोचिंग कर लेना सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। कोचिंग के साथ अपने आप को निखारना और जो अभी तक हमने गलतियां की हैं उनको दूर करना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यहां पर हो गया, ये हमने देख लिया। अब यहां पर एक चीज और समझिए, तो मैं अभी आपको इंडियन ओशन डायपोल समझाऊंगा, ठीक है? इंडियन ओशन डायपोल क्या होता है, वो मॉनसून को कैसे प्रभावित करता है और एल नीनो कैसे करता है। तो सामान्य तौर पर अगर हम देखें, सामान्य तौर पर क्या होता है, जब हमारे देश के है ना उत्तर पश्चिमी भाग में अर्थात जो राजस्थान गुजरात हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, यहां पर जब क्या होता है लो प्रेशर बनता है, तो इस लो प्रेशर को भरने के लिए जो सागर से जो हवाएं आती हैं उनमें क्या होती है, पर्याप्त नमी होने पर अच्छी खासी वर्षा हमें देखने को मिलती है। लेकिन यह जो वर्षा की मात्रा है, हमारे देश में होने वाली जो वर्षा की मात्रा है, इसका जो संबंध है वह है हिंद महासागर के उच्च वायुदाब अर्थात हाई प्रेशर से। क्यों? क्योंकि स्थलीय भाग में तो लो प्रेशर बनेगा ही, जो नहीं बनता है वो हमेशा एक हाई तक। तो जो हाई प्रेशर होता है हिंद महासागर का, ये बदलता रहता है, और जब ये बदलता रहता है तो इसी के कारण मॉनसून हमेशा एक समान इफेक्टिव नहीं होता, अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहां पर एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां पर आए, ठीक, यहां पर देखिए, क्या यहां पर तिब्बत का पठार है, क्या ये तिब्बत का पठार है? सब लोग देख पा रहे हैं, सबको पता है यहां पर तिब्बत का पठार है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लीजिए, चीजें और क्लियर होंगे। क्लियर? अच्छा, अब देखिए, जो तिब्बत का पठार है, क्या ये ऊंचा भाग है? तिब्बत का जो पठार है ये ऊंचा भाग है, ठीक, ऊंचा भाग होने और ऊंचा भाग है, और किस रूप में है, ये पठार के रूप में, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो पठारी भाग है ना, गर्मी के समय बहुत गर्म हो जाता है, बिल्कुल हो जाएगा, कोई भी पठारी भाग होगा अगर उस पर गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो गर्म हो जाएगा। अच्छा, पठार जब गर्म हुआ तो पठार के संपर्क में या पठार पर जो वायु है वो भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाती है। मान लो यह एक क्षेत्र है, यह जो का सरफेस क्या हो, गर्म हो, तो गर्म होकर यहां का सरफेस जब गर्म हो जाएगा तो गर्म होकर हवाएं क्या करेंगे, ऊपर उठेंगे। तो तिब्बत के पठार से क्या होता है, वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, और कितनी ऊंचाई पर, लगभग 10 से लेकर 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर एकत्रित होती है हवा। उठ रही, जैसे यहां से जब हवा उठेगी तो छत तक जाएगी, छत से टकरा कर फिर नीचे आएगी, है ना। जैसे यहां पर धुआं हो जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो यहां से जब वायु क्या होगी, गर्म होकर ऊपर उठेगी, छत तक जाएगी। ठीक इसी तरह से तिब्बत के पठार से वायु क्या होती है, गर्म होकर ऊपर उठती, और गर्म होकर उठी हुई वायु
ऊपर जाकर क्या करती है, एकत्रित हो रही है एक जगह पर 10 से लेकर 12 किलोमीटर। और इसके वजह से यहां पर ये वाला जो भाग है, इसके ऊपर का जो वायुमंडल है, तिब्बत के पठार का पूर्वी हिस्सा, समझिएगा, तिब्बत के पठार का जो ऊपरी भाग है, तिब्बत के पठार का पूर्वी हिस्सा का जो ऊपरी भाग है वायुमंडल में, है ना, या इसके वायुमंडल में क्या बन गया, हाई प्रेशर। जहां हवा यहां से उठ रही है तो जमीन पर बन गया लो प्रेशर, पठार पर बना लो प्रेशर, लेकिन हवा कहीं जाकर इकट्ठी हो रही होगी। जैसे आप देखते हैं कि अगर यहां पर आप कोई ऐसी चीज जला दें जिससे धुआं निकले, तो धुआं छत पर जाकर क्या होता है, उससे टकराकर धुआं धुआं हो जाता है, एकत्रित हो जाता है वहां पर। ठीक इसी तरह से तिब्बत के पठार पर लगभग 10 से लेकर 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु एकत्रित हो जाती है और उसको बोलते हैं हाई प्रेशर। अब ऊपर ऊपर जो वायु है, ध्यान देना, वायु यहां से ऊपर उठी, ऊपर जाकर वहां पर एकत्रित हो गई। अब वहां पर चूंकि वायु एकत्रित हो गई तो वहां से वायु चलती है, यहां से वायु चलेगी और यहां पर आकर क्या करती है, यह उतरती है ऊपर ऊपर, हवा ऐसे जाएगी और यहां पर आकर क्या करेगी, उतरेगी। ध्यान दो, जैसे ही है तिब्बत का पठार, तिब्बत के पठार से हवा ऊपर उठी, ऊपर गई और ऊपर आकर यहां पर क्या करेगी, उतरेगी, उतरेगी। और जब यहां पर हवा कहीं पर उतरेगी तो यहां क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर, यहां पर क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर। और यहां पर जो हाई प्रेशर बना, यहां पर जो हाई प्रेशर बना, ये क्या करेगा, हमारे मॉनसून को और प्रभावित कर देगा, मॉनसून को और क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा। क्यों मॉनसून को, क्योंकि यहां पर यह इस क्षेत्र की तुलना में यहां पर टेम्परेचर पहले से ही कम है, टेम्परेचर कम होने से यहां पर पहले से ही हाई प्रेशर था और अब क्या हो गया, वहां पर एक दूसरी हवा भी उतरने लगी। इसको कैसे समझें, हम सब लोगों ने देखा है कि एक फर्राटा पंखा होता है ना, वो जब चलता है तो हवा भले ही कम दे लेकिन एहसास पूरे गांव को करा देता है कि भैया कुछ चल रहा है। अब आपके पास एक कूलर हो, उस कूलर से हवा आ रही थी लेकिन बड़ी अच्छी हवा नहीं आ रही थी, आपको चाहिए ज्यादा हवा, क्या करो, आप उस कूलर के पीछे एक फर्राटा पंखा लगा दो, फर्राटा पंखा क्या करेगा, पीछे से हवा खींचकर कूलर को देगा और कूलर क्या करेगा, अब तेज गति से हवा देगा। ठीक यही चीज यहां पर हुई, अभी हमने कुछ देर पहले क्या देखा, यहीं से तो इसी उच्च वायु दाब से मानसून की पौने चल रही थी, मानसून की पौने यहां से बढ़ी, ऊपर से एक पवन आकर कहती है कमजोर मत पड़ना, भारत के लोगों को क्या जरूरत है, वर्षा चाहिए, उनको कृषि कार्य करना है, वहां पर चुनाव होने वाले हैं, महंगाई ना बढ़ जाए, क्योंकि उत्पादन को कम होगा महंगाई बढ़ जाएगी और महंगाई बढ़ गई तो क्या होगा, सरकार चली जाएगी और सरकार जो चली गई तो इस समय सरकार किस चीज पर बात कर रही है, राष्ट्रवाद। तो इसका मतलब क्या है, मानसून राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ। अब यहां पर वायु क्या करेगी, बार बार उतरेगी और यहां से जाने वाली हवा को धक्का देगी तो मानसून क्या रहेगा, ज्यादा इफेक्टिव। तो मानसून तेजी से, पहले सोचो कूलर धीरे धीरे हवा दे रहा था, अब उसको क्या कर रहा है, फर्राटा पंखा का हवा तीव्र गति से फेंक रहा है, बढ़ो तेजी से आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये जो साथ साथ हवाएं आएंगी ये क्या लेकर आ रही हैं, नमी लेकर आ रही हैं, और नमी लेकर आने वाली इन ये पवन क्या करेंगे, बरसात ज्यादा करेंगे। अब हमने यहां पर क्या बताया आपको कि वायुमंडल से वायुमंडल में ऊपर ऊपर आकर हवाएं क्या कर रही हैं, उतर रही हैं, तो ऊपर ऊपर क्या चलता है, जेट। देखो जैसे आप लोगों में से कई लोगों का कहना होता है कि सर हम इतना बड़ा बनना चाहते हैं कि हम प्राइवेट जेट लें, क्या करोगे प्राइवेट जेट लेकर, है ना, कितने देर ऊपर रहोगे, आना तो नीचे ही होगा ना, लेकिन फिर भी जेट कहां चलते हैं, ऊंचाई पर, है ना, और जब ऊंचाई पर चलते हैं उनकी गति क्या होती है, ज्यादा। ठीक इसी तरह से अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल में ऊपर ऊपर चलने वाले पवनों को जेट स्ट्रीम बोलते हैं। यह जो जेट स्ट्रीम है ये कहां से उत्पन्न हुई, यह भारत के पूर्वी भाग और जो तिब्बत का पठार है उसके पूर्वी हिस्से से, तो पूर्वी हिस्से से उठी है जेट स्ट्रीम, जब यहां पर उतरकर यहां के वायु दाब को और बढ़ा देती है तो इसी को बोलते हैं पूर्वी जेट स्ट्रीम का प्रभाव।
और पूर्वी जेट स्ट्रीम के प्रभाव से मॉनसून हमारा क्या हो जाएगा इफेक्टिव। इसका मतलब यह है कि अगर यह जो जेट स्ट्रीम है, अगर यह जेट स्ट्रीम क्या हो जाए कमजोर पड़ जाए तो मॉनसून हमारा क्या हो जाएगा कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? क्लियर? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अब देखो, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर तिब्बत का पठार तो ऊंचा है, ऊंचा है, फिर वो गर्म कैसे होगा? अरे भैया, ऊंचाई पर भी गर्मी पड़ती है, खासकर पठारी भाग। कोई पथरीला भूमि वाला भाग है, कुछ भी पेड़ पौधा नहीं है, वनस्पति नहीं है, और समय है मई जून का, तो क्या पत्थर गर्म नहीं होगा? बिल्कुल गर्म होगा। ऊंचाई का प्रभाव यह होगा कि जितना उसको गर्म होना चाहिए था, जैसे यहां पर जो मैदानी क्षेत्र थार के मरुस्थल में जितनी गर्मी पड़ी उतनी गर्मी नहीं पड़ेगी, अगर उतनी गर्मी पड़ती तो क्या होता, पठारी भाग में ज्यादा लो प्रेशर बन जाता और हवा फिर उसको भरने के लिए बढ़ती, उतना लो प्रेशर नहीं बनेगा, उतना टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, लेकिन हवा तो गर्म होगी। जैसे अगर हम कहें कि इस कॉलोनी में एक दो कंडीशन है, इस कॉलोनी में ही क्या हो जाए, पूरी कॉलोनी में से धुआं धुआं उठे, धुएं की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा, लेकिन सिर्फ इस कमरे से धुआं उठे तो धुआं तो उठेगा। ठीक इसी तरह से तिब्बत के पठार के जो हिस्से अधिक गर्म हो जाते हैं वहां से जो हवा उठी वह भी तो क्या करेगी, एकत्रित होगी, और धीरे धीरे हवा क्या हो रही है, एकत्रित होती रहेगी, और एकत्रित होकर जब वहां पर हवा की मात्रा, वायु की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, वह यहीं पर आकर उतरेगी और इस तरह से हमारे मॉनसून को क्या करेगी, प्रभावित करे। अगर यह जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है यह कमजोर पड़ जाए, इसका मतलब है कि ऊपर उठने वाली वायु कम धीमी गति से ऊपर उठे और यहां पर धीमी गति से आकर उतरे तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। चलो, ये चीज समझ पाए। अब एक और चीज समझो, इंडियन ओशन डाइपोल। ठीक है, ये जितनी चीजें ना बड़े आसान भाषा में हम लोग समझ रहे हैं ना, पढ़ना किताब है ना। अब जब खत्म हो जाए हमारी क्लास, तो अभी तो नहीं, जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं, दो घंटा हो गया है ना, उसके बाद मॉनसून खोलना और पढ़ने का प्रयास करना, तो तुम्हें बड़ा हंसी आएगी, मजा आएगा। पता क्यों, कहीं आपको लगेगा अरे अगर शुरू से जुड़े रहे हो तो आपको लगा अरे इससे अच्छा तो हम भी बता सकते हैं, तो आप बता सकते हो। आपको अपने ऊपर क्या करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। हालांकि अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कह रहे होंगे सर अभी कितनी क्लास चलेगी, है ना, कितनी क्लास चलेगी, दो चार दिन चलेगी बच्चों। ठीक है, अब समझिए एक कॉन्सेप्ट है इंडियन ओशन डाइपोल, ये भी मानसून से ही जुड़ा हुआ है ना, इंडियन, अरे ठीक, इंडियन ओशन डाइपोल, इसका संबंध है किससे, मॉनसून से। अब देखो इसमें एक जो शब्द है इंडियन ओशन वो हमने देख ही ला, है ना, ये रहा इंडियन ओशन, देख लिया कि नहीं। अब इंडियन ओशन, बच्चे ऐसे प्रश्न मत पूछा करो, है ना, मतलब ऐसे प्रश्न पूछते हो ना तो टीचर एकदम शॉक्ड हो जाए, सर इंडियन ओशन क्या है, मतलब ये थोड़ा सा होता कि इंडियन ओशन का नामकरण कैसे हमारे देश के नाम पर हुआ, तो थोड़ा सा होता है। अब देखिए इंडियन ओशन को अगर हम देखें तो यह रहा इंडियन ओशन का पश्चिमी भाग, राइट, अफ्रीका महाद्वीप से लगा हुआ जो भाग है, यह अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी किनारा, और महाद्वीप के पूर्वी किनारे से लगा हुआ जो ओशन का भाग होगा वो पश्चिमी होगा,
महाद्वीप और महासागर में हमने कौन सा कोरिलेशन बताया कि जो भी महाद्वीप का किनारा होगा उससे लगा हुआ महासागर का किनारा उसका अपोजिट होगा। तो ये अफ्रीका महाद्वीप, इस ये कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी किनारा, तो इससे लगा हुआ हिंद महासागर का जो भाग है वह पश्चिमी भाग, और यहां का जो इंडियन ओशन का भाग है ये कौन सा हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया से लगा हुआ है और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से से लगा हुआ है, तो ये कौन सा हो जाएगा, पूर्वी हिंद महासागर, पूर्वी हिंद महासागर। अब देखिए क्या होता है कि यहां पर जो प्रेशर है ना इंडियन ओशन में जो प्रेशर है, ये प्रेशर क्या होता है, चेंज होता है। अगर ये हाई प्रेशर यहां पर बन जाए, समझना, यहां पर हाई प्रेशर बन जाए तो अलग कंडीशन, यहां पर हाई प्रेशर बन जाए तो अलग कंडीशन होगी। क्यों? क्योंकि अगर हाई प्रेशर इधर से उधर हुआ तो हाई प्रेशर से ही तो हवाएं लो प्रेशर की ओर चलती हैं, और अगर चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा, पूरी हवाओं की दिशा ही चेंज हो जाएगी। जैसे यह एक क्षेत्र है, ठीक, यह एक क्षेत्र है, और अभी यहां पर क्या बना है, लो प्रेशर बना है, और लो प्रेशर यहां पर बना है और यहां पर हाई प्रेशर बना है, तो क्या होगा, यहां पर हवा ऐसे चलेगी, लेकिन हाई प्रेशर यहां से शिफ्ट हो जाए यहां पर बन जाए, तो अब देखो हवा कैसे आएगी, यहां पर आएगी, और अगर ये हाई प्रेशर यहां शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा, हवा इधर से आएगी, और अगर हाई प्रेशर इधर हो जाए तो हवा इधर से आएगी, है कि नहीं। ये डिपेंड करेगा हाई प्रेशर किधर है, लो प्रेशर किधर है, और इस हाई प्रेशर और लो प्रेशर का हमें जो संबंध समझना है वो मॉनसून के संदर्भ में, क्लियर। और इसी को बोलते हैं इंडियन ओशन डायपोल। डायपोल का मतलब होता है कि हिंद महासागर के दो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कंडीशन, जैसे पोल एक होता है नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, हमने देखा नॉर्थ पोल उत्तर की ओर है साउथ पोल अलग, तो नॉर्थ पोल की जैसी हम नाम लेता है कोई हम समझ जाते हैं कि उत्तर की ओर का बात कर रहा है, और जैसी कोई साउथ पोल का नाम लेता है तो हम अलग चीज समझ पाते हैं। इसी तरह से जब इंडियन ओशन में दो कंडीशन है और इन्हीं दो कंडीशन को हम क्या करते हैं, सम्मिलित रूप से इंडियन ओशन डायपोल बोलते हैं। और ये जो इंडियन ओशन डायपोल है इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, एक कंडीशन देखते हैं, ठीक है। ये हमारा है जो है कि हिंद महासागर का पश्चिमी भाग, हिंद महासागर का, सब लोग नोट करते चलिएगा, हिंद महासागर का पश्चिमी भाग, ध्यान दीजिएगा। अगर हिंद महासागर का पश्चिमी भाग और हिंद महासागर के पश्चिमी हिस्से से ही ये अरब सागर जुड़ा हुआ, ध्यान दीजिएगा, अरब सागर हिंद महासागर के पश्चिमी हिस्से से ही जुड़ा हुआ है, और यहां पर है अफ्रीका, इसको भी देख लीजिए, ये आपका अफ्रीका का भाग, ठीक है, अफ्रीका पूर्वी अफ्रीका वाला ये जो भाग है ये इससे जुड़ा हुआ है। अगर क्या हो जाए यहां पर, यहां का जो जल है, समझिएगा, यहां का ये जो स्थलीय भाग, गर्मी में क्या होगा, हमने कहा था कि यह हमारा पृथ्वी और यह इक्वेटर, और 21 मार्च के बाद क्या होगा, सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में बढ़ेंगे। अब देखो यहां पर ये रहा इक्वेटर, देख पा रहे हैं ये रहा इक्वेटर, अब गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है इसका मतलब है कि सूर्य की किरणें जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ रही हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी किनारा, ध्यान दो, ये अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी किनारा क्या होगा, ये भी तो स्थलीय भाग है, ये भी क्या होगा, गर्म होगा, ये भी क्या होगा, गर्म होगा, और जब यहां पर यह गर्म होगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा, बन गया कि नहीं, अभी हमने टेम्परेचर और प्रेशर का डिफरेंस इसीलिए देखा, यहां पर यह भाग क्या हो गया, गर्म हो गया, लो प्रेशर बन गया, और लो प्रेशर बन गया तो अब यहां पर लो प्रेशर बनने की वजह से, यहां पर चूंकि लो प्रेशर बना है तो इधर से हवा क्या होगी, इधर की ओर आएंगे, और इधर से आकर हवाएं क्या करेंगे, यह जो अफ्रीका का पूर्वी हिस्सा है, ध्यान देना, अफ्रीका का जो पूर्वी हिस्सा है यहां पर, और यहां पर यह जो लो प्रेशर है इस तरफ से, इसको यहां पर लिख लेते हैं ना, तो अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में क्या बन गया, लो प्रेशर। इस लो प्रेशर को भरने के लिए क्या होगा, हिंद महासागर के दूसरे हिस्से में क्या बना है, हाई प्रेशर, वहां से वायु आएगी, और जब वहां से वायु आएगी तो ये क्या करेगी, अफ्रीका के जो पूर्वी भाग है वहां पर भारी वर्षा करेगी, वहां पर क्या होगा, भारी वर्षा,
प्रश्न आएगा कितनी वर्षा, तो वर्ष 2019 में ऐसी ही एक कंडीशन क्रिएट हुई थी। और वर्ष 2019 में क्या हुआ, यहां पर ये जो भाग है अफ्रीका का पूर्वी भाग जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं, इथोपिया, सूडान है ना, केनिया, तंजानिया, केनिया वाला जो क्षेत्र है ना, इरिटेरिया वाला, ये वाला क्षेत्र, तो 2019 में ऐसे ही एक लो प्रेशर बना और यहां पर जो वर्षा हुई वह यहां पर होने वाली वर्षा का 3 गुना थी। क्या थी? 3 गुना। मतलब आप समझिए कि हमारे यहां पर भारत में औसतन जो वर्षा होती है 117 सेंटीमीटर होती, और क्या हो जाए, इसके 3 गुना वर्षा हो जाए, क्या हो जाएगा, हर जगह बाढ़ ही बाढ़ की कंडीशन हो जाए। तो यहां पर जब ऐसी वर्षा हुई तो यहां पर क्या हुआ, बाढ़ आई और इस बाढ़ ने क्या किया, 300 से अधिक लोगों को बेघर कर दिया। क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि जब यह इंडियन ओशन का यह वाला जो भाग है, इंडियन ओशन का यह वाला जो भाग है, यह क्या हो जाए, गर्म हो जाए, और गर्म होकर यहां पर बन जाए लो प्रेशर और यहां पर बन जाए हाई प्रेशर, तो इस हाई प्रेशर से हवा क्या करेगी, पूर्वी जो पश्चिमी हिंद महासागर है, ध्यान देना ये पश्चिमी है ना, तो पश्चिमी हिंद महासागर से ठीक है यहां की ओर जब हवा क्या होगी बढ़ेगी, तो इसी में क्या है, नमी है, और यही नमी क्या करेगी, वर्षा करेगी, और इसी यही वर्षा का प्रभाव हमें भारत में भी देखने को मिलता है। तो एक कंडीशन कौन सी, इसको बोलते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल, इंडियन ओशन डाइपोल। इसका क्या मतलब हुआ कि यहां पर अगर हम देखें तो यह जो टेम्परेचर हिंद महासागर का पश्चिमी किनारा है, हिंद महासागर का जो पश्चिमी किनारा है, यहां का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लो प्रेशर, और लो प्रेशर क्या करेगा, हाई प्रेशर से वायु को आकर्षित करेगा, जो वायु आएगी वो सागर से होकर आ रही है, उसमें नमी होगी, और नमी होगी तो क्या करेगी, वर्षा करवाएगी, और अगर ये वर्षा ज्यादा होगी तो क्या करेगा, बाढ़ का कारण बन जाए। क्लियर? यहां तक क्लियर? अच्छा, अब एक चीज समझिए, जब हमने कहा कि यहां पर भारी वर्षा हो रही है, यहां पर भारी वर्षा हुई और यहां से वायु खींचकर इधर की ओर जा रही है, और इसी वायु में से कुछ वायु क्या करेगी, इधर की ओर भी मुड़ेगी। हवाएं क्या किस ओर मुड़ती हैं, दाहिने तरफ। अब इधर से जो पवन आ रही है, समझो इधर, तो इधर से चलती हुई पवन का दाहिना क्या होगा, भारत की ओर होगा कि नहीं। इधर से जो देखो, यहां से आप ऐसे चलना चालू करो, ठीक, ऐसे देखो, ऐसे चलना चालू करो, और आपको अपने दाहिने ओर मुड़ना है, मुड़ जाएंगे, यहां से आती हुई पौने क्या करेंगे, इंडिया की ओर प्रवेश करेंगे, करेंगे, और जब इंडिया की ओर प्रवेश करेंगे तो मॉनसून क्या आएगा, तीव्र गति से, अर्थात जैसी यहां पर जो वर्षा ज्यादा हो रही है ऐसे ही हमारे यहां पर भी क्या होगी, वर्षा ज्यादा होगी। अब यह हमने समझा पॉजिटिव, और पॉजिटिव वर्षा में हम क्या देख रहे हैं कि अफ्रीका के इस हिस्से में वर्षा ज्यादा हो रही और हमारे देश में भी क्या होगी, बस वर्षा ठीक ठाक, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इन क्षेत्रों में क्या होगा, यहां तो क्या बन गया, हाई प्रेशर, और यहां हाई प्रेशर बन गया तो हाई प्रेशर से हवा क्या करेगी, लो प्रेशर की ओर जाएगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा शुष्क वातावरण, जहां से वायु जाती है वहां पर वर्षा नहीं होती, वहां पर क्या हो जाता, शुष्कता होती है। हमेशा जो वर्षा होती है वो लो प्रेशर वाले क्षेत्र में होती है, क्योंकि लो प्रेशर में आने वाली हवाएं ही कहीं से नमी लेकर आती। अब देखो ऑस्ट्रेलिया के इस हिस्से में क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, और जब सूखा पड़ेगा तो क्या होगा, यहां पर जो है कि जो एक सूखे जैसी कंडीशन होगी और यहां पर आग लगने की घटनाएं होती। आपने वर्ष 2019 की एक घटना सुना होगा जिसको ऑस्ट्रेलियन बुश फायर के नाम से जानते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के झाड़ियों में यहां के शुष्क एरिया में जब आग लगी तो कई करोड़ जीव जो है कि जलकर मर गए। वह आग क्यों लगी थी, उस आग के पीछे था यहां पर शुष्कता।
अर्थात यहां पर जो नमी युक्त पौने थी वो यहां से शिफ्ट होकर इधर की ओर आ गई, इधर की ओर आ गई, और उसके वजह से उनके द्वारा जो होने वाली वर्षा थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। तो प्रश्न आएगा क्या सर हर साल होता, नहीं, ये अगर देखें तो 17 से लेकर 18 साल में एक बार ये घटना होती है, और इस घटना में अगर यहां पर लो प्रेशर बन रहा है, यहां पर जो है कि लो प्रेशर है तो हमारे लिए ठीक है, लेकिन यह इंडोनेशिया, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या है, शुष्कता का कारण बन जाता है। क्लियर? लेकिन इसकी हमने ये कंडीशन कौन सा था, ये हमने देखा जब पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल हो। अगर ये निगेटिव हो, अगर पॉजिटिव है तो कुछ निगेटिव भी तो होगा, बिल्कुल होगा। अगर निगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल हो तब क्या होगा, निगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल हो तो कंडीशन क्या हो जाएगी, एडवर्स, विपरीत। क्या विपरीत, यहां पर अभी क्या था, लो प्रेशर, यहां पर क्या था, लो प्रेशर, यहां पर लो प्रेशर, अब क्या हो जाएगा, यहां पर ये जो एडवर्स में क्या हो जाएगा, यहां पर आपका बन जाएगा लो प्रेशर और यहां पर बन जाएगा हाई प्रेशर। इसका मतलब है कि जब यहां पर हाई प्रेशर, लो की जगह हाई प्रेशर बन गया तो यहां पर वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम, यहां वर्षा कम, और यहां पर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया में चूंकि इधर लो प्रेशर बना है तो यहां पर हवाएं खींचकर इधर की ओर आएंगी, और जब हवाएं इधर खींचकर आएंगी तो यहां पर क्या होगा, भारी वर्षा, यहां पर क्या होगा, भारी वर्षा। अब देखो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही कंडीशन में ये जो ओशन प्रभावित हो रहा है वो कौन सा है, इंडियन ओशन, और इसी इंडियन ओशन से हमारी मानसूनी पौने आ रही थी। इसका मतलब है कि अगर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, दोनों ही डायपोल से मानसून पर क्या पड़े, पर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। जब पॉजिटिव होगा तो वर्षा ज्यादा, निगेटिव होगा तो वर्षा कम। आप खुद समझो, जिन पौनों को यहां हमारे तरफ आना चाहिए वो ऑस्ट्रेलिया की ओर जा रहे हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया की ओर जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अरे नमी लेकर आओ, वर्षा कराओ, वर्षा कराओ, वो कह रहे नहीं, इस बार ऑस्ट्रेलिया का टाइम है, इस बार इंडोनेशिया, मलेशिया का टाइम है, आपके पास अभी रुक कर आएंगे, या फिर वो कहेंगे रुको रुको तुम्हारे पास कुछ पौने आ रही हैं, धीरे धीरे आ रही हैं। क्यों? क्योंकि यहां का जो हाई प्रेशर है वो प्रभावित हो चुका है। सर यूपीएससी का कोर्स कितने का आएगा? सर यूपीएससी का कोर्स 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, हमारे यहाँ पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेहनत कर सकते हो तो फ्री में भी पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो। क्लियर? क्या हम समझ पाए? सब लोग बताइए क्या हम लोग समझ पाए। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, यहां पर क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा अब मुझे एक चीज और बताइए, चलो अब ज्यादा नहीं समझाओ, ठीक है ठीक है ठीक है, 2 घंटा हो गया, समझ रहा हूं समझ रहा हूं, धैर्य रखो धैर्य रखो। अब एक चीज, अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर ये जो टेम्परेचर है यहां पर वहां पर क्यों चेंज हो रहा है, इसके पीछे का कारण है इंडियन ओशन। कोई भी जो सागर होता है ना, सागर अगर उसके किसी एक हिस्से में तापमान क्या हो, परिवर्तित हो, तो उसका असर पूरे सागरीय क्षेत्र पर पड़ता है। जैसे मान लो किसी भी कारण से यहां का जो सागर है ये गर्म हो जाए, तो सिर्फ इसका असर यहां पर नहीं पड़ेगा, इसका असर पूरे इंडियन ओशन पर पड़ेगा। इसीलिए जो इंडियन ओशन डायपोल की कंडीशन है वह किसी एक क्षेत्र में भले ही हो, उसका इंपैक्ट हमारे मॉनसून पर पॉजिटिव नेगेटिव भले ही किस रूप में हो, लेकिन उसका प्रभाव पूरे इंडियन ओशन में पड़ता है, क्योंकि सागर का जल क्या है, गतिशील है, एक स्थान के टेम्परेचर को दूसरे स्थान पर क्या करता है, वह पहुंचाता रहता है। और जब टेम्परेचर क्या हो रहा है, जल के साथ इधर से उधर जा रहा है,
तो क्या होगा, टेम्परेचर ट्रांसफर होगा, और टेम्परेचर ट्रांसफर होगा तो प्रेशर क्या होगा, चेंज होगा। क्योंकि जो वायु दाब है वही क्या करता है, वही फाइनली जो है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर को, लो प्रेशर की ओर वायु को अट्रैक्ट करता है। जैसे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा वायु दाब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और वायु दाब चेंज हो गया तो विंड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और विंड का डायरेक्शन चेंज हो गया तो उस आखिर मॉनसून भी तो क्या है, विंड ही तो है। उसका जैसे ही थोड़ा बहुत भी दाएं बाएं हुआ सब चीजें बदल जाएंगी। जैसे आप ही हो, आप जो है कि खूब अच्छा सा जॉब करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। पहले क्या होता था, डेली ऑफिस से निकले या किसी कहीं से जहां भी आप वर्किंग है, और वहां से जो पैसा मिलता था घर चले जाते सीधे। बीच में क्या हुआ, कुछ दोस्त मिल गए, उन्होंने कहा कि भाई कहां घर जाते हो सीधे सीधे, थोड़ा सा हमारे तो कभी कभी आप क्या हुए, जाना तो आपको इस हाथ इधर चाहिए था, आप बीच में कहीं कहीं आप मुड़ने लगे, कुछ आप खाने पीने लगे, कुछ ज्यादा ही पीने लगे। क्या होगा, घर पर पहुंचने वाला जो पैसा वो धीरे धीरे कम होगा, और हो सकता है कि आप घर पहुंचे लेकिन आपके द्वारा पहुंचाया जा रहा पैसा कुछ समय बाद ना पहुंचे, ये होगा। ठीक इसी तरह से जो पौने हैं ये सागर से आती हैं, अगर इनका डायरेक्शन इनकी गति ठीक रहेगी तो यह मॉनसून पर पॉजिटिव इंपैक्ट डाले, लेकिन अगर क्या हुआ इस सागर के किसी भी हिस्से में टेम्परेचर और वायु दाब जो एक नॉर्मल कंडीशन है उससे बदलेगा तो क्या हो जाएगा, मॉनसून बदल जाएगा। क्लियर। अब इसमें एक कंडीशन और देखो, बहुत मजा आएगा, है ना, ज्यादा देर नहीं लगेगा। यहां पर हम देख पा रहे हैं ये हमारा दक्षिण अमेरिका, देख पा रहे, और दक्षिण अमेरिका में एक देश है पेरू, ये रहा, ये देखिए पेरू। यहां पर देखेंगे तो एक रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, देख पा रहे हैं, और इधर एक रेखा है मकर रेखा, तो पेरू यहां पर है। सामान्यतः यहां पर क्या होता है, एक ठंडी जलधारा चलती रहती है, अर्थात यह जो पेरू देश है इसके पश्चिमी किनारे पर, और महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। अच्छा, प्रशांत महासागर का कौन सा हिस्सा हुआ ये, चूंकि इस कॉन्टिनेंट का ये पश्चिमी किनारा है तो महासागर का क्या हो जाएगा, पूर्वी किनारा, तो ये पूर्वी प्रशांत महासागर, अर्थात पेरू से लगा हुआ जो पूर्वी प्रशांत महासागर का भाग है, यहां पर एक ठंडी जलधारा चलती रहती है। इस ठंडी सागरीय जलधारा को बोलते हैं पेरू की जलधारा, पेरू की जलधारा, या फिर इसी को बोलते हैं हम्बोल्ट की जलधारा, इसी को बोलते हैं हम्बोल्ट की जलधारा। अब पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा जब तक क्या है, ठंडी है, तब तक ठीक है, क्योंकि सामान्यतः ठंडी रहती है। अब समझना क्या होता है, यहां का अगर क्या है, ये ठंडा है, ये जो सागरी भाग है ये ठंडा है, तो जब सागरी भाग ये ठंडा है तो यहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर। कोई भी भाग ठंडा तो वहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर, और यहां पर हाई प्रेशर है। अब देखो हमने मैप दिखाया है, आप इसको ग्लोब के फॉर्म में देखो, आप क्या कीजिए, ग्लोब के फॉर्म में देखिए, तो आपको पता चलेगा ये वाला भाग यही तो है, यहां पर, यहीं पर तो है, यहां पर बना है हाई प्रेशर। और इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन में क्या होगा, जब यहां से हवाएं इधर की ओर जाएंगी, समझना, जब हवाएं, हमने कहा यहां पर लो प्रेशर बन गया, गर्मी का समय हमारे यहां लो प्रेशर बना, उस लो प्रेशर को भरने के लिए यहां से इसी इंडियन ओशन से तो हवाएं जा रही हैं, और इसी इंडियन ओशन से विषुवत रेखा को ओर हवाएं जा रही है, विषुवत रेखा को क्रॉस करके, तो क्या होगा, यहां पर हवा कम ना हो जाए, यही इसी हाई प्रेशर से, इसी यही वाला हाई प्रेशर हमने यहां बना, यहां से हवाएं आती रहेंगी, और यहां से आकर हवाएं क्या करेंगे, इसको गति देती रहेंगी कि जाओ 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 बरसा करो, ये चीज चलती रहती है। सामान्य शब्दों में समझा रहा हूं, अभी टर्मोलॉजी का नाम लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, समझना भाई। तो यहां पर नॉर्मल कंडीशन एक रहती है, लेकिन ये हमेशा नहीं रह पाती, 5 से 6 वर्षों में कई बार देखा गया है, कई बार 10 वर्षों के अंतराल पर, कई बार 5 से 6 वर्षों के अंतराल पर,
अचानक कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि यह जो पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा है, पेरू या हम्बोल्ट की जो ठंडी जलधारा है, इसका तापमान बढ़ जाता है। इसका तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। और टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है? कई बार इसका टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस और कई बार इससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अर्थात ठंडी जलधारा गर्म हो गई। अब समझना, जब यहाँ पर ठंडी जलधारा थी तो हाई प्रेशर था, अब यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या ये हाई हो जाएगा कि लो रह जाएगा? अब बताना, लो रह जाए। अब जब यहां पर लो प्रेशर हो बन गया तो यही लो प्रेशर हाई जहां था, यहां हमने लो प्रेशर बना लिया। अब बताओ, क्या यह जैसे पहले मॉनसून को सपोर्ट कर रहा था वो करेगा? यह खुद क्या हो गया? अब लो प्रेशर तो यह हवाओं को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। और जब अपनी तरफ खींचेगा तो मॉनसून क्या पड़ जाएगा? कमजोर पड़ जाएगा। कमजोर पड़ जाएगा कि नहीं? एजुकेशन लाइफ फॉर नीतू, अरे बाप रे, मतलब इनकी एजुकेशन की लाइफ नीतू जी के लिए, वेरी गुड। लिखते हैं कि सर पूरा डेटा इसी क्लास में चला जाएगा, सर तो क्लास कैसे करेंगे? अच्छा अच्छा, ये भी तो दिक्कत है कि हाँ यहाँ पर तो क्लास चल नहीं रही, रील्स वो देखना होगा है ना, और रील्स देखने के लिए डेटा चाहिए होगा क्योंकि ये तो क्लास चल नहीं रही, यहाँ पर तो सिलेबस तो पढ़ाया नहीं जा रहा, मॉनसून सिलेबस का पार्ट कब से हो गया? अरे चिल बच्चे चिल, कूल कूल कूल, हमने तो ऐसे ही बोल दिया। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। एनसीईआरटी, हाँ हाँ एनसीईआरटी होगा, एनसीईआरटी भी होगा, एनसीईआरटी भी होगा। क्लियर? यहां तक समझ पाए? इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा मॉनसून है वह चाहे इंडियन ओशन हो या फिर पैसिफिक ओशन, सभी से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। और सभी से जुड़ा होने को इस क्रम को बोलते हैं एल नीनो और ला नीना। चलो आज ऐसा करते हैं, इतना ही रहने देते हैं, एल नीनो और ला नीना पर एक सेपरेट वीडियो कभी बना देंगे, लेकिन वो तभी समझ में आएगा जब यहां तक की चीजों को समझ चुके हो। और थोड़ा सा आईडी का नाम ठीक ठाक रखा करो जी, कुछ भी लिख लेते हो, इमोशन थोड़ा सा छुपा के रखा करो, मेहनत किया करो। आज माफिया ओफिया नहीं आएंगे, साइको ओइको तो आए थे, माफिया ओफिया नहीं आए, आए हैं क्या माफिया ऑफिया? हाँ सब लोग थोड़ा सा आईडी को मेंटेन कीजिए, आपकी आईडी बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ती है ना। अब आईडी का मतलब ये नहीं कि यूपीएससी लिख कर खाली घूम रहे हैं, है ना, यूपीएससी लिख लेने से, आईएएस लिख लेने से, ड्रीम लबासना लिख लेने से कुछ नहीं होता। थैंक यू थैंक यू, कह रहे हैं ओके सर चेंज कर लेंगे, थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे इस बात को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, और यही होना चाहिए है ना, हमें कोई अगर कोई कहे, कोई सुझाव दे, जो सुझाव हमारे काम का तो हमें मानना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने क्विक रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। तो यहाँ तक का समझ लेते हैं, यहाँ तक समझ लेना, अच्छे से देख लेना, जो लोग चैट कर रहे थे वो समझ लेंगे, दोबारा देख लेंगे, डेटा वहाँ पर बचाओ जहाँ पर डेटा बचाने की ज़रूरत है ना। हमें भी तो बताए तुम डेटा कहाँ कहाँ खर्च करते। तो बाकी इसके आगे का एक एल नीनो और ला नीना पर एक सेपरेट वीडियो आधे घंटे का बना दूंगा, तो इसी से कनेक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जब तक एल नीनो और ला नीना नहीं आ जाता, कुछ बची हुई चीजें नहीं आ जाती, तब तक मॉनसून पूरा नहीं है। तो कहीं देखो बाद में वीडियो, कोई देखे ओके, अरे एल नीनो नहीं बताया, तो फिर हमें बताना होगा ना कि क्लास ज्यादा लंबी हो गई थी और भाई और बहनों का डेटा खत्म हो गया था, है ना। चले अच्छा, मिलेंगे अभी 5:30 बजे, ठीक है, 5:30 बजे एनसीईआरटी मैराथन में, ठीक है, एनसीईआरटी मैराथन। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं ये बताओ पहले। अच्छा ये बताओ, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं?
सब लोग बताइए, क्या हमने कोई चीज़ आपको रटाया? क्या हमने कोई चीज़ याद करने के लिए बोला? क्या हमने कोई चीज़ ऐसे ही ला दिया कि चलो देखो ऐसा होता है? नहीं होता ना। आप स्टार्टिंग से देखिए, इतने बेसिक से। अच्छा, पहले पेज पे थे, ये देखो, ये जिस तरह से हमने एक एक चीज को कंस्ट्रक्ट किया, जिस तरह से आपको आगे बढ़ाया, तो जिसको थोड़ा भी डाउट हो क्या करना, पानी पीना और एक तरफ से देखना। कोई भी चीज मैंने रेंडमली आपके ऊपर फेंक नहीं दिया कि ऐसा होता है मान लो, नहीं। क्यों होता है उसको जानो, उसको हमने बताया, उसको समझाया, एक एक कॉन्सेप्ट समझाया और उन सब चीज़ों को हमने क्या किया, आप तक पहुंचाया। ठीक है, तो जो लोग बाद में देखेंगे क्लास, उनके लिए है कि उनको एक वीडियो का इंतज़ार करना होगा एल नीनो और ला नीना पर। ठीक है, अभी मिलते हैं 5:30 पर NCERT की क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच। सेशन को ना बच्चे शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, आप थक गए, सोचो आप तो बैठ के पढ़ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बात भी कर रहे हो, है ना, बाहर भी घूम आए होगे, कुछ काम भी निपटा आए होगे, आपके सामने देखो 2.5 घंटे से चिल्ला रहे हैं, तो इतनी बात मानो, थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।